पुस्तकधारणी मभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पदमासने संतिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां नमोस्त्वनन्ता यसहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिचिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूक्तभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरापनेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विललित निगम कल्प फल परमानंद रुदार समय कल लीलारति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मतन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमहो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह बिना सिनि विमल विराग विवेक विका सिनि भगवत तत्व रहस्य प्रका सिनि परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा अनंतम हृदय भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए भागवत महापुराण की व्यास भगवान की सद्गुरुदेव महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की अयोध्या राम लला की नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। हम सभी भक्तों के मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान के बाम पार्श्व में विराजमान हैं। हम सभी भक्तों को दर्शन लाभ दे रहे हैं। परम पूजनीय पूज्य संत स्वामी श्री पुरुषोत्तमानंद जी सरस्वती जी महाराज कथा के शुभारंभ के पूर्व हम सभी भक्तों को आशीष वचन प्रदान करेंगे, तो सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और भक्तों से निवेदन ये है कि जिनका मोबाइल फ़ोन उनके पास में है तो एक बार अपने मोबाइल फ़ोन को आप लोग अपने साइलेंट मोड पर लगा लें या स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम लोगों का यह परम सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन स्थान में यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सभी भक्तों की ओर से पूज्य
महाराज श्री से श्री चरणों में निवेदन है कि हम सभी भक्तों को अपने मुखारविंद से आशीष वचन प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगींद्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय विपति हरण हनुमान जय श्रीराम जय राम श्रीराम हम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम कृष्ण कन्हैया सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की सनातन धर्म की श्रीमद्भागवत महापुराण की भगवान वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड आदि नायक परात्पर तत्व जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के परम पावन पादाम्बुजों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सदगुरु परम गुरु परमेष्ठी गुरु परंपरा के समस्त गुरु चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करते हुए नमन करते हुए मंचासीन व्यास रूप में विराजमान आपको श्रीमद्भागवत का रहस्यमय उपदेश प्रदान करने वाले परम आदरणीय परम पूज्यपाद अनंत से विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, मेरे प्रिय आत्मस्वरूपस्थ संतवृंद सज्जनवृंद मातृवृंद बालवृंद बालिकावृंद सभी सज्जन बड़े प्रेम से भगवान की परम पावनी कथा श्रीमद्भागवत की श्रवण कर रहे हैं।
भागवत बहुत ही रहस्यमय ग्रंथ है और कहा गया है कि ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, इसलिए सज्जनों इसको बहुत प्रेम से श्रवण करना चाहिए और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से ही श्रवण करना चाहिए। अन्य गांव गांव में जो भागवत होती हैं उसको जो बांचने वाले हैं वो खुद कुछ नहीं जानते। छठी सातवीं आठवीं पास कर लिया रोजी कमाने के लिए, भागवत ग्रंथ खोल करके जो कुछ बोल रहे हैं सब भागवत है, चाहे जो कुछ परोस रहे हैं सब भागवत है। जैसे बाजार में मिलावटी सामान मिल रहा है ऐसे ही बहुत मिलावटी सब बिक रहा है, उसको तो श्रवण करना हमारी समझ से तो पुण्यदायी तो है ही नहीं, दूसरा नहीं बोलूंगा, पुण्यदायी हो ही नहीं सकता। उनको इस भागवत को आप श्रवण करो, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के मुखारविंद से श्रवण करो, आप फिर अपना जीवन देखो, अपना वर्ष देखो। वर्ष में आपको यदि कुछ दिखाई पड़ता है, आध्यात्मिक उन्नति दिखाई पड़ती है और आपके भक्त रस कुछ प्रवाहित होता है, कुछ आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति भी दिखाई पड़ती है, तो आप समझिए हमने भागवत को श्रवण किया है। सब कुछ इससे मिलता है, कल्पतरु है। सज्जनों इस भागवत में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आप किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, जैसी आपकी अंतःकरण की स्थिति है उस प्रकार से उसी स्टेप पर, उसी सीढ़ी पर पैर रख करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा पराम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। कहते इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके चाहे वेदांत के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, भक्ति रस के द्वारा अथवा अपने धर्म की निष्ठा के द्वारा जन्म लाभा पुराम पुंसाम, कहते हैं मनुष्य का जन्म का लाभ यही है अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे। आपने अजामिल चरित्र श्रवण किया था, अजामिल जब पतित हुआ है, लोग कह सकते हैं कि भगवान ने रक्षा क्यों नहीं किया, जब वो भगवान का भक्त था भगवान ने रक्षा क्यों नहीं किया, ऐसे प्रश्न आते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी रक्षा करेंगे। वो भगवान को समर्पित हुआ है, उस काल में भगवान की याद किया है, मेरा चित्त कैसा हो गया, मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मुझे ये कैसा हो गया है, कैसा मेरा चित्त हो गया, मेरे चित्त में कैसी वासना प्रकट हुई है। वो अपने को धिक्कारता है लेकिन रोक नहीं पाता। सभी की ऐसी स्थितियां हैं, हम सब जानते हैं कि ये गलत है, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी वही खाते हैं, वही पीते हैं, ये नहीं करना चाहिए फिर भी वही करते हैं,
तो अवश्यमेव ये जो संसार का संसार का जो आकर्षण है ये हमको भक्ति मार्ग में जाने नहीं देता है। और भक्ति की तरफ ये चलते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं तो हमको ये रोकता है, आकर्षित करता है। ये संसार शरीर ऐसा ही आकर्षित करने वाला है। दुख रूपी विमोहक, दुख रूप है और विमोहित करता है। राजा जनक ने भगवान का दर्शन किया, इनहिं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मनु त्यागा। भगवान का जब दर्शन करते हैं तो उनके अंतःकरण में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। संसार में होता है राग, संसार में होता है राग और उसका काट है अनुराग। भगवान के चरणों में जब अनुराग होता है तब विवेक उत्पन्न होता है, तब विवेक उत्पन्न होता है। क्या सत है क्या असत है ऐसा ज्ञान होने पर सत में प्रवृत्ति होती है, असत का त्याग होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है, व्यवहारिक भी विवेक करना चाहिए और पारमार्थिक भी विवेक करना चाहिए। जो पारमार्थिक विवेक करते हैं और व्यवहारिक विवेक नहीं जानते हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए पारमार्थिक विवेक गुरु की शरण में जाकर के होता है और व्यवहारिक विवेक अपने शिक्षा देने वाले माता पिता अन्य गुरुजनों के द्वारा हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक विवेक तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर के ही होता है, जो आपको उपलब्ध है, प्राप्त है। अब इसका लाभ न उठाएं तो कोई क्या कह सकता है। कहते हैं कि अवध में रहने पर भी यदि राम की महिमा ना आए तो यद्यपि रहे अवध राजधानी तदपि न कुछ महिमा उर आनी। तो अवध में रहने पर भी उसकी महिमा का वर्णन भी करें लेकिन फिर भी लाभ ना ले पाए तो मतलब क्या है। ऐसे ही गुरु की जय जयकार तो करें लेकिन गुरु का ज्ञान जो है वो प्रमुख है, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ज्ञानांगने दग्ध कर्माणि, गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही आपके कर्म की राशि को भस्म करने में सक्षम है। एक और अग्नि है, विरह अग्नि। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको मंजिल हासिल नहीं होती, भगवान का दर्शन नहीं होता, विरह से व्याकुल होते हैं, उनका अंतःकरण निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान के विरह से अंतःकरण निर्मल हो जाता है, स्वधर्म निष्ठा से अंतःकरण निर्मल हो जाता है, शुभ कर्म करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है, माता पिता गुरुजनों की सेवा करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है, इसलिए मनवा अस निर्मल भयो,
जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। गंगा जल के समान हमारा अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। हम कितनी बार स्नान करते हैं प्रश्न इस बात का नहीं, हम कितना शुद्ध रहते हैं प्रश्न इस बात का नहीं है, हम भाव से कितने निर्मल हैं। जिसके जिसके अंतःकरण में भगवत भाव है, जिसके अंतःकरण में आत्म भाव ब्रह्म भाव है, उसका तो चित्त एकदम निर्मल ही है। वो अपने स्वरूप को स्वरूप का साक्षात करने का अधिकारी हो जाता है, योग्यता प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, ज्यादा न कह करके अभिप्राय यही है कि हमारा चित्त भगवान की भक्ति में, अपने धर्म की निष्ठा में और वेदांत के श्रवण में लगे, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और यही लक्ष्य हमको उस परब्रह्म परमात्मा आत्मा सच्चिदानंद से मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत जंबो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। यं प्रवृजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
श्री सुकुवाच सम्यक् व्यवस्थिता बुद्धिस्तौ राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रेक्षकं श्रोतृन् तत्पादसलिलं यथा। परम श्रद्धे परमादरणी मंचस्थ स्वामी जी महाराज, सभी संत जन, आत्मस्वरूप भक्त जन, पुरुषान् त्रीन् पुनाति ही, तीन प्रकार के मनुष्य बहुत पवित्र हो जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण हमारी राधा जू की महिमा का चिंतन मनन करते हैं। कौन कौन? तो गिनाया वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रिन, ये 16 नंबर का श्लोक है, पहला अध्याय 10:1-16। जो भगवान की कथा का गुणगान करता है, कथा सुनाता है, वो परम पवित्र हो जाता है। हम लोग, यानी मैं पवित्र हो गया। बड़ा संबल मिलता है। भगवान ने भागवत में लिखा है जी, वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी तभी पवित्र होती है जब प्रभु की चर्चा करते हैं। ऐसा मौका मिले, ऐसा कभी समय मिले, भगवत चर्चा करें, तत्कथनम तत्चिंतनम, उसी का चिंतन, उसी का वर्णन। दूसरे वो पवित्र हो जाते हैं जो भगवान की कथा पूछते हैं। परीक्षकः, कौन पूछ रहे हैं यहाँ पर? राजा परीक्षित या शौनक आदि महात्मा बीच बीच में पूछते जाते हैं, यानी यजमान पवित्र हो जाता है जो इस सत्संग का आयोजन करता है, व्यवस्था करता है, जिसके चित्त में भगवान की कथा सुनने की लालसा जगी, अंतःकरण में प्रभु की महिमा का श्रवण करूं ऐसी भावना जगी, वो हृदय पवित्र हो जाता है। और तीसरे वो भी पवित्र हो जाते हैं श्रोत्रिन, जो इस वक्ता, मुख्य वक्ता और मुख्य श्रोता के साथ में और भी लोग सुन लेते हैं घेलुआ में, वो भी पवित्र हो जाते हैं। आप लोग भी सब, अगर भगवान की कृपा ना होते तो सत्संग में क्यों आते? प्रभु से प्रेम ना होता तो सत्संग में बैठते क्यों? 2 घंटा बाहर जाके अखबार पढ़ते, टीवी देखते, दुनिया की चर्चा करते। संत से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, कथा से प्रेम है, तभी तो आए। तो ये तीनों लोक राजन परीक्षित पवित्र हो जाते हैं, वक्ता इस कथा का आयोजन कराने वाला श्रोता और अन्य समस्त श्रोता गण, वो सब के सब पवित्र हो जाते हैं। क्यों? जाने अनजाने उनका भगवान के साथ एक संबंध जुड़ जाता है। भगवान मेरे अपने हैं, भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं। ये जो संबंध है, संबंध के द्वारा ही सुख और दुख होता है। अगर संबंध का ज्ञान ना हो, संबंध ना बने, तो सुख दुख नहीं होता। आप सड़क पर चले जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा तो पूछ लेते हैं क्या हुआ है, पता लगा कोई एक्सीडेंट हो गया है। आदमी कहता बस के निकल जाओ, कौन पुलिस के झपड़े में पड़े। कोई दुख नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, बस के निकल गए। अचानक नजर गई, देखा कि अरे वो चेहरा जो गिरा पड़ा है परिचित वाला है, बस
आप गाड़ी रोकोगे, उसके पास जाओगे और पता लगा कि हमारे किसी रिश्तेदार का बच्चा है, अब आपके अंतःकरण की वृत्ति बदल जाएगी। जैसे पहले आप निकल जाते वैसे नहीं निकलेंगे आप, अब आपका मन भाव बदल जाएगा। एम्बुलेंस बुलाओ, इसको बचाओ, किसने मारा, कैसे हुआ, कैसे किया जावे, चित्त आपका दुखी हो जाएगा। क्यों? अब उसके साथ जुड़ गया आपका संबंध। संबंध से ही सुख होता है, संबंध से ही दुख होता है। और सरल भाषा में समझो तो दुखी के साथ संबंध बनाओगे तो दुखी, और सुखी के साथ संबंध बनाओगे तो सुखी। आप कन्हाई के साथ संबंध जोड़ लो, सच्चिदानंद परमात्मा है, आनंद घन है, तो आप आनंदमय जीवन जियोगे। थोड़ा माइक बाहर वाला माइक की आवाज थोड़ा कम करो, इसकी आवाज बढ़ाओ। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रसंग में जब हम प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा एक सावधानी की बात यह है, संबंध कौन सा बनाएं भगवान के साथ, कैसा संबंध बनाएं, यही भगवान की लीला का प्रधान विषय है। भक्ति के, भगवान की भक्ति के यही सूत्र हैं। एक संबंध बनता है वात्सल्य भाव का। वात्सल्य, वत्स माने बछड़ा, जैसे गाय का बछड़ा सामने गया तो गाय के थन में दूध आ जाता है, वात्सल्य भाव। हम छोटे बच्चे को देखते हैं, मेरे भीतर पितृत्व का भाव, मातृत्व का भाव पैदा हो जाता है, ये बच्चा बड़ा प्यारा है, इसको गोद में लेकर के इसका प्यार करूं, ये वात्सल्य भाव है। ऐसे भाव के साथ जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव जी, देवकी जी, अन्यान ऐसे बड़े लोग भगवान के साथ जो नाता जोड़ रहे हैं, इसका नाम है वात्सल्य भाव। महाराज ये वात्सल्य भाव में चाहे जितना पेट भरा हो, मां को लगता है कि अभी खाए नहीं मेरा बेटा कुछ। वो संसार में कहावत थी कि मां देखती है पेट और बीवी देखती है जेब में कितना पैसा है, ऐसा लोकोक्ति है। मां को लगता है कि मेरा कन्हाई तो बिल्कुल छोटा सा है। कितनी बार 40 साल का बेटा हो, 45 साल का बेटा हो, कहीं बाहर जा रहा हो तो माँ बाप इतना उसको सहेजते हैं, ट्रेन में सोना मत, ये मत करना, वो मत तो करना, अरे वो 40-45 साल का हो गया, खुद बाप बन गया है। बोले नहीं, माँ बाप को लगता है कि अभी मेरा बच्चा अबोध है, लगता होगा हाँ। तो जैसे दुनिया में ऐसे भगवान के साथ नाता जोड़ लो, भगवान मेरे बच्चे हैं, भगवान बच्चा बनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिर वैसे भाव दृढ़ हो। अगर अगर मान लो मेरा बच्चा है और मेरा कहना नहीं मानता तो फटाफट दो थप्पड़ लगाओ। यशोदा मैया ने तो डंडा लेकर के दौड़ाया और उखल से बांध दिया रस्सी से, ले तीन लोक के स्वामी को और रस्सी से बांध देना, ये केवल वात्सल्य भाव से संभव है। ये महात्मा लोग जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हो, परमात्मा पकड़ में नहीं आता फिर। अब भागवत जी में तो कह ही सकते हैं ना महाराज, आपकी बुद्धि के पकड़ में परमात्मा ब्रह्म नहीं आता, लेकिन माँ चाहती है तो पकड़ के बांध दे रही है। अब भगवान बंध भी ही डंडा लेके दौड़ाती हैं तो भगवान भय के कारण असुरपात कर रहे हैं। वात्सल्य भाव पहला भाव है, भगवान मेरे बच्चे, मैं भगवान का माता पिता। बहुत बहुत इस साधना भक्ति में प्रेम के बढ़ोतरी में सहायक है, यही यही उपाय है। अगर ये भाव ना बन सके कि भगवान तीन लोक के स्वामी, उनको मैं अपना बेटा कैसे बनाऊं, तो कोई बात नहीं, भगवान को अपना मित्र बना लो ना। भगवान तो आपके मित्र भी बनने के लिए तैयार है ना।
मनसुखा है, मधुमंगल है, भद्र हैं, तोक हैं, भरूथप हैं, ना जाने कितने भगवान के सखा लोग हैं जो भगवान को अपना मित्र समझते हैं। मित्र भाव रामचरितमानस में समन्ना सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, कौन है भगवान के मित्र। भय दिखाए लई आवो तात सखा सुग्रीव, भगवान कहते मेरा मित्र है सुग्रीव। मित्र का भाव, लेकिन मित्र का भाव बनाओ तो पक्का बनाओ, जो भाव बनाओ पक्का बनाओ ना। अगर भगवान मित्र हैं तो मित्र का लक्षण है देत लेत मन संक न धरही। कभी मित्र को जरूरत पड़े तो दो, और हमको जरूरत पड़े तो मित्र से मांग लो। मन में संशय नहीं होना चाहिए। मित्रता का भाव बहुत बड़ा होता है। मुझको कई बार ऐसा लगता है कि संसार के सारे संबंधों में आदमी कुछ ना कुछ छुपाता है। बहुत सारे समय पर माँ से छुपाता है, पिता से छुपाता है, पत्नी से छुपाता है, बच्चे से छुपाता है, लेकिन जो बातें हम दुनिया से छुपाते हैं वो भी लगभग मित्र को पता होता है। आप उसकी गहनता तो समझो आप, बहुत सारी चीजें। कब आप किसके साथ पिक्चर देख के आए स्कूल से भाग करके, और जाने चाहे न जाने मित्र हो। कब आपने सिगरेट का सुट्टा मारा था चाहे माँ बाप से छुपाया, लेकिन दोस्त तो हो, जानता ही होगा ना तो मित्र से भगवान, भगवान जब कुब्जा के यहाँ जाते हैं तो उद्धव को ले जाते हैं, मित्र हैं, अंतरंग मित्र हैं। मित्रता के संबंध में फिर दुराव छुपाव नहीं होता। हे कृष्णा आप मेरे मित्र हो, आप मेरे मित्र हो। एक ही भाव है। ये भी अगर ना कर सको तो तीसरा वाला भाव है, बहुत पक्का वाला भाव है, आप भगवान के सेवक बन जाओ। अहम हरे तौ पादय कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। दास्य भाव जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है, जो हमारे हनुमान जी का भाव है। हनुमान जी मित्र नहीं समझते भगवान को, गोस्वामी तुलसीदास जी मित्र नहीं समझते, वो कहते मैं तो सेवक हूं, मैं सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी, भगवान मेरे स्वामी, मैं भगवान का सेवक। ठीक है, ये भाव हैं, यही यही सब आप समझ लो, ये ट्रैक है, इसी पर पूरी भागवत है, भगवान की लीला है, यही मूल स्तंभ हैं। वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, दास्य भाव की भक्ति। लेकिन अब विशेषता ये है कि अगर आप भगवान के अपने आप को दास समझ लिए, मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तो आपको चिंता करने की फिर जो है कोई जगह नहीं होगी। और अगर आप चिंता करते हो तो भी वास्तव में भगवान के दास नहीं बने। आप उस गहराई को समझना, ऐसे साधारण नहीं है। हनुमान जी कभी चिंता नहीं करते। हमको तो लगता है कि समय समय पक्का हो गया, सूर्योदय पर मर जाएंगे लक्ष्मण जी, चले जा रहे हैं संजीवनी बूटी के लिए, रास्ते में मिल गया कोई सत्संग सुनाने लगा, भूल गए शक्ति बाण, भूल गया सूर्योदय, बैठ के कथा सुनने लगे। मैं करने वाला थोड़े हूं, जो करने वाला है वो जाने, जो करने वाला है वो जाने। आप लोग कोई नहीं सुनोगे, बड़ा जरूरी काम से जा रहा हूं, बाद में कल सत्संग सुन लूंगा। हनुमान जी बैठ गए सुनने लगे, और शुरू से लेके आदि हुते शुरू से लेके कथा सुनाया उसने, और जब तक कथा पूरी नहीं होगी तब तक हनुमान जी टस मस नहीं हुए। कब शक्ति बाण लग गया है, तुम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो, अब इसके बाद कथा ही नहीं हुई थी क्या, उस बताओ वो। तब उसने कहा मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बता रहा हूं आगे क्या होवेगा। हनुमान जी ने कहा ये इसका अभिमान आया वक्ता का, अपनी दिव्य दृष्टि से कहने जा रहा है। महाराज अब हमको प्यास लग गई, कथा की प्यास है, तेरे अहंकार की दृष्टि की प्यास नहीं। दास्य भाव की भक्ति की प्रधान विशेषता है कि दास फिर निश्चिंत होता है,
मैं भगवान का सेवक हूँ, चिंता किस बात की, वो जाने। मेरे ख्याल में दुकान में कितना घाटा हुआ कितना नफा हुआ, जो कर्मचारी है उसको ज़्यादा उससे लेना देना नहीं होता ना, कि होता है? आज के दिन दुकान में 10,000 की ज़्यादा बिक्री हो गई कि आज के दिन दुकान में 10,000 की कम बिक्री हुई, कर्मचारी को फर्क पड़ेगा क्या? वो उसको तनख्वाह से लेना देना है। विद्यालय चलाने वालों को एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ उसके जो कर्मचारी हैं वो क्यों, मैं तो सेवक हूँ, इस भाव की भक्ति। और चौथी भक्ति है, उसको हम कहते हैं माधुर्य भाव, श्रृंगार भाव की भक्ति। उसमें सारे भाव समा जाते हैं, यही विशेषता है। माधुर्य भाव की भक्ति में सारे भाव समा जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ऐसे पत्नी पति का ख्याल रख सकता है। जैसे एक मित्र मित्र से बात करता है, वैसे पति पत्नी आपस में वार्तालाप करते हैं, मित्रवत। जैसे सेवक स्वामी की सेवा करता है, वैसे पत्नी पति की सेवा करती है। चूंकि सारे भाव एक में समा जाते हैं, इसलिए माधुर भाव की भक्ति श्रेष्ठ है, जो हमारा गोपी भाव है, जो हमारी राधा जी का और सफल भाव है। हमारा गौड़ी परंपरा, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में माधुर भाव की भक्ति प्रधान है। पूरा का पूरा श्रृंगार भाव माधुर भाव की भक्ति से है भरा हुआ। और हमारा रामानंद संप्रदाय, हमारे तुलसीदास जी जिसके हैं, रामानंद संप्रदाय और दास्य भाव की भक्ति से भरा पड़ा है। सबके अपनी अपनी एक साधना की एक विधि है, अब सब बिरला बूझे कोई। रामानंद संप्रदाय में आप माधुर भाव को मत लाना बीच में, हाँ वहां माधुर भाव को लाओगे गड़बड़ हो जाओगेगा। और गौड़ी परंपरा में, गौड़ी परंपरा समझते हो कि नहीं, वृंदावन में राधे राधे उनकी पहचान है कि यहाँ से चंदन लगाए होंगे, कहाँ से, नागपुर से चंदन लगाए होंगे। वो हमारे गौड़ी परंपरा के, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के, और उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद, जो अंग्रेज मंदिर से ज़्यादा मशहूर होगा आप लोगों का, जगत गुरु कृपालु जी महाराज, है ना, वो सब हमारे गौड़ी परंपरा के, गौड़ी परंपरा माधुर्य भाव की भक्ति। यहाँ भगवान की ऐसी साधना करो, ये चार भाव मुख्य हैं भगवान के साथ अपने मन को जोड़ने का। वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव और माधुर्य भाव, चार मुख्य हैं। पांचवा एक शांत रस का है, वो ऋषियों का है, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना, वो तो महात्माओं वाला है, अपने आप में शांत है, परमात्मा सब कुछ है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, उस स्थिति में रहते हैं, शांत रस की भक्ति है। जैसे कि हमारे गर्गाचार्य जी हैं, सांडिल ऋषि हैं, जैसे हमारे गुरुदेव वशिष्ठ हैं, अगस्त ऋषि हैं, भारद्वाज मुनि हैं, वो शांत भाव की भक्ति है। उनका अंतःकरण शांत है, परमात्मा सर्वव्यापक है, वो जानते हैं। कई बार आप गहराई से विचार करो तो भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, सारे महात्माओं को पता है, लेकिन कोई महात्मा नहीं गया अयोध्या दर्शन करने के लिए। भले भोले बाबा गए हों अलग बात है, वहीं पास में भारद्वाज थे, एक बार भी नहीं गए, चलो अयोध्या दर्शन करके आऊं। वहीं कहीं पर अत्रि ऋषि थे, अनुसुईया थे, चित्रकूट के आसपास, कभी नहीं गए अयोध्या, चलो दर्शन करके आए। अगस्त ऋषि थे, कभी नहीं गए। सुतीक्ष्ण महात्मा थे, इनका सबका वर्णन आएगा। भगवान को मिलना हो तो आवे मेरे पास, और भगवान एक एक ऋषियों का नाम पूछते हुए जाते हैं। वो शांत भाव की अपनी महिमा में विराजमान है, उनकी भक्ति प्रधान है। भगवान आकर के मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन गोकुल में पहुंच गए नंद बाबा और हमारी यशोदा मैया के यहाँ पर। गोकुल में तो उत्सव है। अब यहाँ पर कई ऐसे प्रसंग हैं, एक प्रसंग है, अब यहाँ दो तीन जगह पर है, दो तीन नगरी हो रही है, दो तीन नगर, एक नगर अब मथुरा समझो, जहाँ का राजा है कंस, मथुरा का राजा कंस,
भगवान प्रकट तो हुए लेकिन वहां रुके नहीं, वहां से गोकुल पहुंच गए, गोकुल से माया को लेकर के आए वसुदेव जी महाराज और उनकी हथकेड़ी बेड़ी ज्यों क्यों त्यों फिर से बहिरंता पुरा द्वारा सबका सब उनके जैसे पहले था वैसे हो गया। उसके बाद कन्या रोने लगती है, ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुतित। अब छोटी सी एक पंक्ति है, आधा श्लोक है, आधे श्लोक पर ही इतना विचार कर लो। ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा, अब कन्या रोई है, विचार करो बच्चा जन्म लेते अगर ना रोए तो। हाँ ये बढ़िया बोला, किसने बोला? बच्चा जन्म लेते ना रोए तो घर वाले रोएंगे, डॉक्टर लोग घूंसा मारते हैं, ऐसे बच्चे का पांव पकड़ के ऐसे खड़ा लटका देते हैं उल्टा, शायद उसका हृदय का धड़कना शुरू हो जावे, हार्ट बीटिंग नहीं चल पा रही है, कोई प्रॉब्लम है। बच्चा पैदा होते ही रोता है, क्या बात है हाँ? जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जो रहे। कुछ ऐसे कर्म करो महाराज, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम जब पैदा हुए तो आप रोए, दुनिया वालों ने थाली बजाई और लड्डू बांटा। अस्पताल में नर्सें भी कहती हैं कुछ न्यौछावर लाओ, है ना? कन्या पैदा हुई है रोई नहीं है। गोकुल से वसुदेव जी लेके चल पड़े हैं, भादों का महीना अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, यमुना जी बाढ़ में हैं और पैदल आए हैं आधी रात में, कार से नहीं आए हैं, रथ से नहीं आए हैं, अभी भी गोकुल से। और अगर मथुरा जहां पर जन्मभूमि है वहां पर आप नाक की सीध में आओ, बैराज के पुल से मत आओ, तो लगभग 9 किलोमीटर पड़ेगा, घूम के आओगे पुल से तो 35 किलोमीटर है। गए हो सब दर्शन किया होगा हाँ, जहां भगवान को तुमको भी कहा होगा ऐसे बकैया बकैया चलो हाँ, फिर वहां पकड़ लेते हैं चढ़ावा चढ़ाओ तो छोड़ेंगे हाँ। तो गोकुल से मथुरा की जन्मभूमि पुल से जाओ तो 35 किलोमीटर, लेकिन सीधे जाओ तो आप कम से कम 9 किलोमीटर पड़ेगा, खेत की मेड़ से और यमुना जी पार। 9 किलोमीटर चलने में समय कम से कम कितना घंटा लगेगा हाँ? दिन नहीं है, मैं कह रहा हूं अभी मैं चलवाऊंगा तुमको सड़क पर हाँ। रात्रि है, बूंदा बांदी हो रही है, बीच में बाढ़ की यमुना भी पार करनी है, यमुना को भी पार करना है हाँ। कीचड़ भी होगा रास्ते में, छोटा बच्चा हाथ में है कहीं फिसल के है गिर न जाओ। आपको मैं एक तेल का भरा हुआ वो रख दे दूंगा हाथ में कटोरा, और फिर चलवाऊंगा 9 किलोमीटर हाँ, समझ में आ रहा है? तेल का भरा कटोरा दे देंगे और कह देंगे कि अगर एक बूंद तेल छिलका तो हाँ। सुना है कहानी कि नहीं? नहीं सुनी महाराज? एक बार देवर सिनार पहुंच गए राजा जनक के यहाँ पे। महाराज आप भजन वजन तो करते नहीं होंगे, दिन भर कोई पुरस्कार दे रहे हो, किसी को दंड दे रहे हो, कोई पापी आ रहा है आपकी सभा में, कहीं राजकाज का काम कर रहे हो, इतने में कैसे ज्ञानी हो आप? कैसे ज्ञानी हो आप? ज्ञानी वानी कैसे हो सकते हो? उनका ऐसा करो ना, आज रुक जाइए महाराज, महात्मा जी बड़ी दूर से चल के आए हो, कल हम सवेरे अपनी देवी के मंदिर में चलेंगे, वहाँ थोड़ा मत्था टेक लेंगे जो हमारे यहाँ की कुल देवी हैं, फिर उसके बाद आपको समाधान कर देंगे। वहाँ रात्रि रुक गए, सवेरे उनको लेकर के महाराज गए मंदिर में, पुजारी जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, चरणामृत दिया, पुजारी जी अंदर से एक तेल का कटोरा भरा हुआ लेके आए, नारद जी को कहा हाथ मिलो,
नारद जी ने सोचा प्रसाद है, हाथ फैलाए और ले लिया। तेल का कटोरा पूरा लबालब भरा। जनक महाराज ने कहा एक बात बताना भूल गए थे आपसे, हमारे यहाँ का एक नियम है हमारे नगर का कि जो भी मंदिर आता है उसको ऐसे तेल का कटोरा देते हैं और उसको तेल का कटोरा हाथ में लेके मंदिर की सात परिक्रमा करनी पड़ती है और एक बूंद भी तेल न छलके। महाराज अगर छलक गया तो, बोले एक बूंद भी तेल छलक गया तो उसकी गर्दन छलकानी पड़ेगी फिर। ये हमारे यहाँ का विधि है, रिवाज है। अरे महाराज देवर्ष नारद का ऊपर की सांस, ऊपर नीचे की सांस, कहाँ जान फंसाई, कहाँ जान फंसाई, ये तो जान पे बनी। महाराज हम नहीं परिक्रमा करे तो, बोले तो आ गए हो तो करना ही पड़ेगा, भाग भी तो नहीं सकते हो। अब बेचारे हाथ में तेल का कटोरा ले, एक एक कदम संभाल करके, राम राम, मरता क्या न करता, एक हो गई, दो हो गई, सात परिक्रमा कर लिया, एक बूंद भी छलका नहीं, राहत की सांस ली, जान बची, लाखों तेल का पुजारी ने ले लिया। चलिए महाराज, उन्होंने कहा महाराज आप तो हमारा समाधान करने लाए थे और यहां पर एक जान पर सवार हो गए। सम्राट ने कहा एक बात बताओ, जितनी देर तक आपने परिक्रमा किया उतनी देर में कितनी बार नारायण नाम लिया? उन्होंने कहा नारायण यहां तो जान पे बनी थी, बस तेल का बूंदे ही दिखाई पड़ रहा था, तेल की बूंद ही दिखाई पड़ रही थी, एक बूंद छलके और मैं मर जाऊंगा, कोई नारायण वगैरह याद नहीं आए, मैं मर जाऊंगा। तो जनक महाराज ने कहा ऐसे जीवन में प्रत्येक कर्म में मैं अपनी मृत्यु को याद रखता हूं और जब अपनी मृत्यु को याद रखता हूं तो हमसे कोई ऐसी ही बात नहीं होती, हम स्वरूप निष्ठ हैं। तो अगर गोकुल से वसुदेव जी कन्या को लेके आए हैं इतनी दूर तो 2-2.5 घंटा लगा होगा मिनिमम, कन्या नहीं रोई है, बस देव जी ने देवकी की गोद में कन्या को दिया, हथकड़ी बेड़ी ज्यों की त्यों लगे, ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा, अब कन्या रोने लगती है, अब कन्या रोई, जब सब कुछ पूर्ववत आपृता ज्यों का त्यों हो गया, दरवाजे बंद हो गए, ताला लग गया, हथकड़ी बेड़ी जैसे पहले पूर्ववत ज्यों का त्यों हो गया, अब कन्या रोती है। मथुरा दुष्टों का नगर है, मायावी नगर है, गोकुल भक्तों का नगर है, ये दोनों का अंतर है। गोकुल भक्तों की नगरी है, प्रेमियों का नगर है, यहां माया, यहां भगवान आए हैं मथुरा में तो सारी प्रजा सोई है, वसुदेव जी को एक कुत्ता भी जगता हुआ नहीं मिला है। किसी भी राज्य के अंतर्गत हमको नहीं लगता कि सब के सब सोए हों, हमारे मोहल्ले में भी एक दो आदमी चौकीदारी तो करता होगा ना, सिक्योरिटी गार्ड होगा, लेकिन पूरी मथुरा सोई हुई है। मतलब दुष्टों के नगर में भगवान आवे तो दुष्ट लोग सोए रहते हैं, उनको भगवान की कथा से लेना देना नहीं, यही ना दुष्टों की नगरी। और उधर भक्तों के पास में माया की चर्चा करो तो सब सोए हुए हैं, यही है भक्तों का नगर है, दुष्टों का नगर है। उनके भक्तों के पास आप दुनिया की चर्चा करो तो उनको मजा नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता, सब सोए हैं। लेकिन क्रम बदल गया, माया इधर आई, भगवान उधर गए। देखो माया इधर आई तो जगाती है रो करके, अरे जगो जगो हे मथुरा वासियो, मैं आई हूं, जगो, और मथुरा में सब जग गए। और उधर कन्हाई भक्तों को जगा दिए, ठीक है हाँ? आप किस नगर वाले हो, किस नगर वाले, तुम्हारी बात तो नहीं कह रहा हूं, खास करके मेरी नजर में वो है जिनको ये विनोद दुबे जी यजमान लोगों ने महीना भर पहले से सूचना दिया, हम कथा कराना चाह रहे हैं आप आना, बाकायदा फोन किया, कार्ड भी भेजा होगा,
और फिर भी उन्होंने कहा होगा एक दिन के लिए आएंगे। किस नगर वाले हैं वो, अब बोल मत देना वहां पे। अगर वो टीवी पे सुन रहे होंगे साधना चैनल वाले से तो हमारा गला पकड़ेंगे आकर के, मैं पक्का कह रहा हूं। क्योंकि अगर आपको सूचना ना दी जाती तो अलग बात थी, सूचना भी दिया गया, बुलाया भी गया, फिर भी एक दिन के लिए आऊंगा, इसका मतलब औपचारिकता वसात आएंगे, दुनियादारी का निभाव करने आएंगे। कल कई लोग आएंगे शायद, हाँ कल बता देना, जो आएंगे सावधान रख कह देना स्वामी जी बड़े गुस्से वाले हैं। आप लोग देख रहे हो कैसा हूँ, लेकिन कौन एक दिन के लिए जो आता है उससे मैं प्रेम से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो औपचारिकता के लिए है। तो वो उस नगर वाला हो गया ना, और ऐसे भी कोई होगा जो एक दिन के लिए आया होगा, कथा सुन करके मन लगा होगा कि अब जाते ही नहीं एक हफ्ते तक, कोई ना कोई ऐसा है कि नहीं है पता नहीं परिवार में, है ना, है। चलो ये हमारा गोकुल वाली हो गई फिर तो। ऐसे भी एक दिन के लिए आए और उसके बाद फिर महाराज, कई बार ऐसा भी हुआ होगा, जैसे एक बार पति गया सत्संग में, पत्नी गई सत्संग में, अच्छा लगा, दूसरे वाले को कहा चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, नहीं नहीं मैं नहीं जाती, तुम ही करो सत्संग वत्संग, मैं नहीं जाता सत्संग में, तेरे काम है। ऐसा भी होता होगा। और उसके बाद किसी तरीके से मुरव्वत में एक दिन आ गए, पति या पत्नी दोनों एक दिन आ गए, उसके बाद महाराज इतना अच्छा लगा, दूसरे दिन से पहले खुद ही तैयार, कब चलोगे। वो सब प्रेम के भक्ति के नगर वाले हैं। तो ये दो नगर हुआ ना, गोकुल और मथुरा। मथुरा में कंस है, दुष्टों की नगरी है, गोकुल भक्तों का नगर है, बस ये पहचान करो। कन्या रोती है, कंस दौड़ करके आता है, कन्या को छीन लेता है हाथ से, उसी पत्थर पे पटक के मारना चाहता है, कन्या हाथ से उड़ करके आकाश की तरफ चली जाती है। देखते देखते सिंह वाहिनी, अनेक अनेक भुजाएं, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए माँ भगवती दुर्गा के रूप में बदल जाती। बोलिए दुर्गे मैया की, किम मया हतया मंद, अरे मूर्ख कंस मुझको मारने की शक्ति तुझ में नहीं है, तुझको मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है, अब वसुदेव देवकियों को कष्ट मत दे। माँ भगवती वहां से निकल करके चली जाती हैं, मन के भीतर एक कसक है, एक कंस को तो अभी मैं मार डालूं, लेकिन अगर मैं अभी मार डालूंगा तो भगवान की लीला में बाधा पड़ेगी, भगवान को अच्छा नहीं लगे, इसलिए माँ भगवती अंदर, जैसे हनुमान जी कहते कहो तो मैं त्रिकूट उठा लाऊं, लंका उखाड़ के ले आऊं, कहो तो रावण की गर्दन पकड़ के ले आऊं, लेकिन कहते नहीं वो सब राम जी करेंगे, तुम्हारा जितना काम है उतना करो। माँ भगवती के दिल में है कि दुष्ट पापी को मारो, लेकिन भगवान की लीला। तो माँ भगवती वहां से जाती हैं, और जाते जाते अब वो हिंगलाज नाम की जगह में बैठती हैं, जहां पर नाम पड़ा माँ दुर्गा। कहाँ, हमारे भारतवर्ष में नहीं है, अब वो जगह दूसरे के कब्जे में चला गया है, भारतवर्ष में नहीं, वो माँ भगवती का स्थान। और दो प्रकार से कथा आती है पुराणों में, एक कथा तो आता है कि सती जी के अंग कट कट के गिरे हैं, वो हम भी सुना देंगे कभी, और दूसरी कथा ये कि माँ भगवती जगह जगह पर जाती हैं, इनका कहीं पर कुमदा, चंडिका, वैष्णवी, अनेक अनेक नाम पढ़ते हैं, कहीं पर भी इनका दिल शांत नहीं होता, अंतःकरण शांत नहीं होता, आके जब कड़ा में विराजमान होती हैं तो हृदय शीतल हो गया, तो माँ भगवती का नाम पड़ा शीतला मैया, क्योंकि वहां शीतल हुआ। दूसरा वो प्रसंग है कि जहां सती जी का कड़ा हाथ का कट के गिरा, ऐसा भी आता है, लेकिन एक प्रसंग है कि माँ भगवती फिर वहां से भी चल पड़ती हैं, शीतला मैया से भी वहां से भी चलती हैं, और जब वो तीर्थराज प्रयाग, जहां तीनों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, हमारा ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीनों के स्थान पर जाके विराजमान होती हैं, उनका हृदय इतना शांत हो गया कि वहां अंतर ध्यान हो जाती हैं, तो उनका नाम पड़ गया, बोलिए अलोपी मैया की।
किसने दर्शन किया है लोपी मैया? माँ भगवती का विग्रह कैसा है वहां पे? हाँ, अब कभी भी जाओ तो वहां पर दर्शन करो। अभी हमारे अखाड़े के ही वहां पर महंत हैं, वो महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत है। आलोपी मैया का स्थान हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत है। हमारे बहुत अच्छे महंत जी हैं, जमुनापुरी जी महाराज वहां पे, तो जमुनापुरी जी अभी वहां पर हैं, बहुत अच्छे संत हैं। आज जम नहीं रहते, थोड़ा इसका ट्रेबल बढ़ा, बेस कम कर, ट्रेबल बढ़ा। माँ भगवती का ऐसा स्वरूप हुआ, बस देव देवकी को जाके कंस छोड़ देता है, बस देव देवकी अपने महल में आते हैं। और फिर उसके बाद कंस ने विचार किया कि ये देवी ने तो हमको साफ साफ कह दिया कि हमको मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है, क्या करूं। इसके पांच दुष्ट सहायक हैं, चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल। उन्होंने एक ने कहा, एक महीने के जितने पैदा हुए बच्चे हैं सबको मार डालते हैं। देवी ने कहा ना कि हमको मारने वाला कहीं और पैदा हुआ है, तो एक महीना के पैदा हुए सारे बच्चों को मार डालते हैं। तब तक एक दूसरे सहायक ने सलाह दिया, राजन ये सलाह सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर हम सैनिक लोग तलवार लेके बच्चों को मारने के लिए जाएंगे तो जो प्रजा है अपने बच्चों की रक्षा के लिए नगर छोड़ के भाग जाएगी। भाई किसी गांव में जाकर के हम बच्चों को मारना शुरू करेंगे, सूचना दूसरे गांव में पहुंच जाएगी, तीसरे गांव में पहुंच जाएगी, प्रजा पलायन कर जाएगी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। और जब नगर में प्रजा ही नहीं रहेगी तो हम राजा कैसे रहेंगे आप? क्योंकि प्रजा है तो राजा हो, प्रजा नहीं तो फिर राजा भी नहीं। नहीं ठीक हुआ, कल का देखा नहीं था कहां पर था सारा सिख, किसने छेड़ा छाड़ी किया है? सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, भोले वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ चीजें हैं ना जिसमें लगता है कि अभी कुछ और बढ़िया ठीक किया जा सकता है। किसमें? जैसे आप खूब बढ़िया कंघी करके घर से निकलो, तुरंत हाथ बाल पे जावेगा, अभी भी कुछ ठीक किया जा सकता है। कंघी करके निकले हो लेकिन फिर भी चार बार सिर पे कुछ ठीक किया जा सकता है, ऐसे माइक वाला भी होता है।
इसको बंद करो ये वाला, और कुछ पहले फोटो नहीं खींच लिया था, कहाँ कहाँ थी, कोई तार लूज होगा तुम्हारा, तार हिल गया होगा, देखो मूलम हि विष्णुर्देवानां यद्धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञासदक्षिणाः। तलवार लेके बच्चों की हत्या करना ठीक नहीं है। कंस ने कहा फिर क्या करें, तो उस सलाहकार ने कहा राजन आपकी एक धर्म बहन है उसको बुलाओ, ओ जावे और एक महीना के जितने बच्चे हैं उनको सबको मार डाले, छुप के मारे, पता भी न लगे कि राजा कंस मरवा रहा है। ये है यहां की जो है कूटनीति। चूंकि उस देवी ने कहा है कि हमको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तो एक महीना के अंतर्गत पैदा हुए सारे बच्चों को मारना है, लेकिन सीधे आक्रमण करके नहीं मारना है, तो उस अपनी धर्म बहन को बुलाओ, छुप के जावे और मारे। उसको बुलाया गया, बकासुर की बहन है इसलिए भागवत में उसको नाम लिखा है बकी। आहो बकी यमस्तन काल कूटम, बकी। कंस ने अपना धर्म बहन बना रखा है, लेकिन मन बड़ा खराब है, अपवित्र है, दुष्ट है, तो जो पवित्र नहीं है उसका नाम पड़ गया पूतना। पूत माने पवित्र, अविद्या अज्ञान। पूतना को बुलाया गया, जाओ और जाकर के एक महीना के सभी बच्चों को मार डालो। पूतना ने जो आज्ञा कह करके चल पड़ती है और इतस्ततः इस गांव में जाके बच्चों को मारती है, उस गांव में जाके बच्चों को मारती है, एक एक करके मारती चली जाती है। गांव में जो चर्चा होती है, किसी ने कहा हैजा फैल गया, प्लेग फैल गया, अमुक बीमारी हो गई, बच्चे मर गए, लेकिन ये किसी को पता नहीं लग रहा कि राजा कंस मरवा रहा है। इस प्रकार से चर्चा चल रही थी, बच्चों पर विपत्ति आई। थोड़ा धीमा कर, वॉल्यूम कम करो। नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम धातुम कुरुद्वह। अब ऐसे चल रहा है, इधर गोकुल में पांचवें दिन, भगवान लाला के प्रकट होने के पांचवें दिन सभी गोप लोग बैठे, एक चर्चा हुई। चर्चा ये हुई, नंद बाबा ने कहा ऐसा करते हैं, सम्राट तो कंस है ना, हम लोग तो छोटे मोटे राजा हैं, राजा तो सम्राट कंस है, उसको कर दे के आते हैं, कर दे के आते हैं। नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वह। कर माने आजकल की भाषा में क्या कहेंगे, टैक्स, कर दे के आते हैं। हाँ चलते हैं, साहब ने अपना जो दूध दही मक्खन और भेंट सामग्री, वो वार्षिक कर, सालाना कर देने के लिए सब मिलकर के वहां से चल पड़ते हैं। वहां से पहुंचते हैं पांचवें दिन मथुरा। राजा कंस को उन्होंने कर दिया वार्षिक। कंस ने पूछा, बड़े प्रसन्न लग रहे हो राजन, हमारे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, आपके आशीर्वाद से हुआ है। कंस भी प्रसन्न हुआ, ठीक है, अरे नंद तुम्हारी इस आयु में बेटा पैदा हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्न है, जरा ये तो बताओ किस दिन पैदा हुआ था। नंद बाबा ने कहा यही अष्टमी की रात को, धक से किया उसको, अरे वही तो दिन था जब वो देवी ने कहा था, लेकिन ऊपर से जाहिर नहीं किया। ठीक है बढ़िया है, जाओ इनको कोई अतिथिशाला में ठहराओ। नंद बाबा अपने साथियों के साथ अतिथिशाला में ठहरे। दूसरे दिन नंद बाबा के मन में आया वसुदेव जी से थोड़ा मिलके चलें, और वसुदेव जी के पास जाते हैं मिलने के लिए। वो जो प्रसंग है महाराज,
नंद बाबा वसुदेव जी मित्र हैं, कैसी चर्चा होती है, वो तो भागवत जी में पढ़ने लायक है। वसुदेव जी अपने दुख की चर्चा नहीं करते कि मेरे 6 बच्चों की हत्या हुई, और नंद बाबा अपने सुख की चर्चा नहीं करते। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हें लोकत पातक भारी। और फिर उसके बाद अब जब इधर से कुछ देर आपस में वार्तालाप हुआ तो वसुदेव जी ने कहा, नंद सालाना कर दे दिया ना आपने? उन्होंने कहा हाँ कर दे दिया। कौन है भैया सो रहा है? ये पक्का मथुरा वाला होगा, गोकुल वाला नहीं है। भगवान आते हैं तो मथुरा वाले क्या होता है, सो जाते हैं। अरे इतनी जमाई लेनी है तो बाहर जाके जमाई ले अकल के मारे। इतना जमाई आती तो बाहर जमाई लो, मूर्खता की हद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अकल को जगाओ हर घटना में, विवेक विवेकाय नमस्तुभ्यम। रात में ज्यादा खा लिया होगा, माले मुफ्त दिले बेरहम। और नाश्ता ठूस के खा लिया होगा, छोले कुलचे। जब ज्यादा खाओगे तो सोओगे, इसीलिए भागवत की कथा में कहते व्रत रह के सुनो, सावधान रहो। अब इतना समझ लो आश्रम में हो। अभी स्वामी जी ने कहा था भागवत कथा किससे सुनना चाहिए, अभी भी कहा था। हम लोग मुरव्वत नहीं करते, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं। अब गांव में होता अपना बांसते जाते, पूतना लोग बालक नी राक्षसी रुद्रासना जिघांसाया पर रहे स्तनम दत्वा प्रसंग दुखति किम पुनः श्रद्धया भक्तिया कृष्णाय परमात्मा ने यच्छन प्रियतम किम तुम। एक बार ऐसी बात हुई गई कि पूतना आई थी और पूतना ने ऐसे सुनाऊं क्या? वो भी हमको सुनाना आता है। बस देव जी ने नंद बाबा को कहा, जब आपने कर दे दिया तो यहां क्यों रुके हो, जल्दी जाओ, आप जल्दी जाओ। हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे गोकुल में कोई विपत्ति आई हुई है। अरे ऐसे बोला है, नेह स्थेयम बहुतिथश्च संत उत्पातश्च गोकुले। तुम्हारे गोकुल में कोई उत्पात हो रहा है। देखो हैं वसुदेव जी मथुरा में, घटना बता दिया, गोकुल में उत्पात हो रहा है। नंद बाबा तो बिल्कुल हृदय से, अरे वसुदेव जी के मुख से जो निकलता है बिल्कुल सही ही होता है। क्या बात हो गई, कैसे हो गई, ऐसा कैसे कह रहे हैं वसुदेव जी, हे भगवान रक्षा करना, हे भगवान रक्षा करना। और अंत में जब कोई उपाय नहीं तो हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकितहा। सुखदेव भगवान कहते हरिम जगाम, जब जीव को ऐसा भय लगता है तो भगवान की शरण में चला जाता है। हरिम जगाम, भगवान नारायण बचाना, रक्षा करना, रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। वहां से जल्दी से विदा लिए चल पड़े। अब आगे के पूरे प्रसंग में भागवत जी का, हम अब कथा में बिल्कुल सीधे प्रवेश कर रहे हैं जल्दी जल्दी वाले में, लेकिन पूरे प्रसंग में एक चीज ध्यान रखना, कथा को समझना जब कभी, अपने आप भी पढ़ सकते हो भागवत, सब लोग बुद्धिमान हो तो ध्यान रखना। भगवान एक बात अपने मन में रख लेते हैं, चाहते हैं कि जब मैं किसी भक्त के पास आऊं तो मुझको ही देखो, मुझसे ही बात करो, मुझसे ही प्रेम करो, मेरी सेवा करो, ये भगवान चाहते हैं। मेरे ख्याल में विद्यालय में अध्यापक भी चाहता है, क्लास लेते समय क्या चाहते हो, किसको देखें? आप अगर पढ़ा रहे हो, क्लास ले रहे हो और बच्चे जो है दरवाजे की तरफ देखें, हाँ क्या करते हो फिर बाहर? ये वो बैठे हैं ना, इसीलिए हमारा यजमान फंसा हुआ है ना, तो स्टैंड अप।
क्या है है ना, तो आप क्या चाहते हो कि मेरी क्लास में आया हुआ है तो मुझको मेरी बात सुने, भले उसको याद रहे चाहे ना रहे, ध्यान तो मेरी तरफ दे। भगवान कहते हैं मेरे से ध्यान लगाओ, मुझको देखो। और अगर कभी भी कोई भी भगवान का भक्त भगवान को छोड़ करके दूसरी तरफ नजर डालता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, और तब भगवान ने कोई ना कोई दुर्घटना, कोई राक्षसी, कोई राक्षस, कोई उत्पात होता है। तब जब भगवान को भूल करके किसी और की तरफ नजर जाती है तब। पूरी कथा में आप जितने राक्षस ओक्षस का नाम हम लेंगे सब समझ लेना, सबके बीच में ध्यान से समझो। भगवान विचार करते हैं कि अरे मैं गोकुल में आया हूं तो मेरे बाबा कंस के पास क्यों गए तुम, तो समझना हा? अगर मैं आया हूं तो आप कंस के पास क्यों गए, आप हमी से प्रेम करो। एक कारण है, भगवान ने आकर्षण कर लिया और पूतना आ जाती है, पूतना आई। थोड़ा सा अगर इसको राजनीति की दृष्टि से विचार कर लो, राजनीति की दृष्टि से, तो कर देने के बहाने एक बात का निश्चय हो गया कि उस सामंत का, उस राजा का भावी उत्तराधिकारी आ गया है। ये बहुत बड़ी घटना होती थी, कर देना एक बहाना था। जैसे हमारे यहां की बहुत प्रसिद्ध घटना हुई झांसी की, उन्होंने बालक को गोद लिया, गोद जिस बालक को लिया उसका नाम था दामोदर राव, और ब्रिटिश एम्पायर में उन्होंने जो है एप्लीकेशन दिया कि हमारे गोद की मान्यता दी जाए, हमारे राज्य का भावी ही उत्तराधिकारी। इतिहास वाले हाँ है नहीं। और वहां इंग्लैंड से पत्र आया कि आपके गोद को मान्यता नहीं। वह झांसी की सभा लगी हुई थी, महारानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई हैं, और वो अंग्रेज का उसने पत्र पढ़ को सुनाया, पत्र पढ़ के सुनाया कि आपका गोद लेना ये अवैध है, गैर कानूनी है, इसको मान्यता नहीं दी जा रही। मतलब जब तक आप हो तब तक राज्य में रहो, सुख भोगो, और बाद में आपका राज्य ब्रिटिश एम्पायर में समझ, क्योंकि गोद नहीं। और उसी के बाद वो प्रसिद्ध वाक्य जो लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये उनका वाक्य उसी के बाद। आप समझो छोटी छोटी चीज पर आए। भागवत तो ऐसा है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, मेरा भाभी उत्तराधिकारी आ गया, ये भी एक प्रसंग था भगवान ने। चलो अब ये सब दुष्टों की बात बहुत हो गई है ना, मथुरा की ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। एक घटना और है, एक तरफ और चर्चा चल रही है, कहां, बरसाना में। वहां के सामंत हैं, सम्राट मत कहना, सम्राट तो एक होता है। अब ऐसे हम कहें कि प्रधानमंत्री एक है, उसके अंदर में मुख्यमंत्री तो कितने हो गए इस समय भी। हाँ, मुख्यमंत्री राजा है कि प्रधानमंत्री, क्या हुआ, मुख्यमंत्री राजा कि प्रधानमंत्री, डीएम राजा है कि एसपी, अब लो फिर बदलते जाओ। तो ऐसे एक सम्राट के अंतर्गत कई छोटे छोटे राजा होते हैं, पहले भी था अभी भी हैं, तो उसी प्रकार से केवल नाम बदला हुआ है और क्या। तो ऐसे ही वृषभान में जो सामंत हैं, राजा हैं, वो चक्रवर्ती नहीं हैं, वो कौन है, हमारे बरसाना के वृषभानु जी, पत्नी का नाम है कीर्तिदा, माँ भगवती स्वयं हमारे भगवान की अहलादनी शक्ति उनके यहाँ पे आके प्रकट होती हैं, जिनको हम कहते हैं बोले राधा रानी के जय, राधा जी रूप में। कई भाई हैं वृषभान जी, कई भाई हैं। एक भाई की कन्या बन के आती है, उसका नाम था चंद्रावली, महाराज दोनों के भीतर एक लाख डांट रहती थी। राधा जी और चंद्रावली में एक प्रतिस्पर्धा थी, कृष्ण से ज्यादा प्रेम कौन करता है,
तो चंद्रावली कहती थी मैं करती हूं, राधा का भाव था मैं करती हूं। हमारी राधा जो की कई सखियां थी, ललिता विशाखा इत्यादि, राधा जो की कई सखियां थी, 8 सखियां मानी जाती हैं। हमारी सीता जी की 8 सखियां मानी जाती हैं पुष्पवाटिका में। तरह तरह की वहां पर लीलाएं हैं। ओ उधर बरसाना में चल रही, तो बरसाना चल रही है इधर मथुरा, अब गोकुल। गोकुल में पूतना आती है, देखा यहां पर बड़ी भीड़ है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना ने विचार किया आज यहीं से शुरू करें। एक पेड़ के पीछे गई जंगल में छुप करके, है राक्षसी दुष्ट लेकिन सबसे बढ़िया सुंदर रूप बनाया अपना। हे मांगना कंचन वर्ण की, सोने के रंग वाली सुंदर सी बन गई, मायावी नहीं है, जादूगरनी है। सुंदर बन करके बढ़िया वस्त्र पहन लिया, बढ़िया मुकुट धारण कर लिया, गले में माला वाला पहन लिया, हाथ में कमल का फूल ले लिया और वहां से चल पड़ती है आनंद में। गोकुल में जब पहुंचती है महाराज, ये 5-6 दिन, ये छठा दिन है भगवान के आने का। गोकुल में कुत्सव हो रहा है, छठी का दिन मनाया जा रहा है। ये 5-6 दिन में कई घटनाएं हो चुकी हैं। देवर्षि नारद आ गए थे दर्शन करने के लिए, भगवान शिव जी आ गए थे दर्शन करने के लिए, सब दर्शन। ये गोकुल वाले बड़े चौंक रहे हैं, जब से लाला आया है तब से कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई आता है। ये जब वहां पहुंचती है दरवाजे पर, तो किसी ने इससे पूछा नहीं तुम कौन हो, किसी ने कोई आईडी कार्ड नहीं मांगा है, कोई नहीं पूछा कौन हो, किससे, किस माता पिता से आई हो। बस सबने देखते ही कहा अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी आई हैं, आज अपने लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। देवी इधर से, देवी इधर से, देवी इधर से रास्ता बता दिया और पूतना सीधे पहुंच जाती है हमारी यशोदा मैया के दरवाजे पर, सीधे पहुंच जाती है। यशोदा मैया ने देखा, रोहिणी मैया ने देखा, जल्दी से स्वागत करके आई, ये अपने लाला को आशीर्वाद देने आई होंगी। पूतना को लेकर आई उस कमरे में जहां पर हमारे भगवान का पालना रखा हुआ है, वहीं बैठने के लिए कुछ रख दिया, उस पर बैठ गई पूतना। अब बाहर इतनी भीड़ है, लोग हैं, छठी का उत्सव मनाया जा रहा है, बड़े आनंद का समय, कहीं कोई कुछ गायन हो रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई नेग मान रहा है, कोई न्यौछावर मांग रहा है। रोहिणी मैया और यशोदा जी खड़ी, पूतना बैठी हुई है। रोहिणी और यशोदा बार बार पूतना के उस कपड़े को देखें, गहने को देखें, पता कितना सुंदर है, कहाँ से पहन के आई है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। बस भगवान रोने लगते हैं। हमने पहले कहा था वही सूत्र आपको पूरे भागवत में पकड़ के रखना है, वो आखिर तक। भगवान कब नाराज होते हैं, जब मेरा भक्त कहीं किसी और तरफ देखता है। भगवान रोने लगे, जब भगवान रोने लगे तो जल्दी से यशोदा मैया ने लाला को गोद में ले लिया। तो लाला को गोद में लेकर के और चुप हो जा, लेकिन नजर वहीं पर है। इसका नेकलेस देखो कितना बढ़िया है, इसका ये देखो इतना अच्छा है, हा? दोनों भगवान चुप नहीं होते। जब भगवान चुप नहीं हुए तब पूतना पहली बार पूछती है, यशोदा लगता है तुम्हारा पहला बच्चा है। यशोदा मैया का दिल गदगद, कितनी मीठी भाषा है, अरे देवी आप ही के आशीर्वाद से हुआ है, आप ही की कृपा से हुआ है लाला। पूतनन का छाला मुझको दे, मैं चुप करा दूं। भगवान को यशोदा मैया ने पूतना की गोद में दे दिया। जैसे पूतना की गोद में दिया भगवान तो चुप हो गए। यहाँ पर एक अलंकार है, उसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार, और इस पर बहुत चिंतन किया गया है क्यों भगवान चुप हो गए। तो ऐसा एक मान लिया गया कि भगवान ने विचार किया कि कोई बच्चा अगर डरता है, उसको भय लगता है, तो माँ को पुकारता है, माँ बचाओ, मैया बचा, और जब मेरी मैया ही राक्षसी की गोद में दे दे रही तो मैं पुकारूं किससे, रोने का कोई फायदा फिर नहीं। भगवान चुप, जब भगवान चुप हो गए, रोहिणी जी ने देखा साक्षात लक्ष्मी हैं, देखा गोद में जाते ही चुप हो गया, हाँ
सबका भाव अलग अलग। तब पूतना ने कहा, अरे तुम्हारे यहां बड़ी भीड़ है, क्या बात है? रोहिणी मैया ने कहा, आज लाला का छठी मना रहे हैं, उत्सव है। पूतना कहती, जाओ जाओ सबका देखभाल करो, हम लाला को तुम्हारे संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। यशोदा मैया रोहिणी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं, मेरे लाला को आशीर्वाद दे देना, और कह करके कमरे से बाहर निकल जाती हैं। लोग बहुत हैं, सबकी देखभाल करनी है, किसको बैठने का स्थान मिला नहीं मिला, किसको भोजन मिला नहीं मिला। भगवान को छोड़ के संभालने गई किसको, दुनिया को, संसार को, है ना? गड़बड़ समझ में आ रहा है ना? हमको नहीं लगता कि आज भी ऐसा होता हो। अरे अस्पताल ही सही, घर में बच्चा पैदा होए, कोई अपरिचित पहली बार आवे आपके वहां पर, और आप बच्चे को उसके पास छोड़ करके सब लोग बाहर चले जाओगे घर के? आज के समय की बताऊंगी, कभी छोटी सी बात पर विचार करो ना, आज के समय पर भी। हाँ, कम से कम माँ रहेगी सामने, दादी रहेगी सामने, हाँ बच्चे को गोद में दे देंगे किसी को, हाँ लो लो ये देखो बच्चा पे, लेकिन उसके पास छोड़ करके कोई, सारे लोग गायब नहीं हो जाओगे वहां से? हाँ कैसे घटना हुई होगी? उस कमरे में केवल पूतना रह गई और भगवान रह गए, माने यशोदा और रोहिणी मैया भी दुनिया संभालने चली गई। अजीब सा है मनुष्य का स्वभाव। पूतना ने मौका देखा, कालकूट नाम का जहर लगा के आई है, अपना स्तन खोला, भगवान के मुंह में दिया, मैं कंस का काम करूं, बच्चे को दूध पिला करके मारूं, जहर पिला के मारूं। और भगवान जब दूध पीना शुरू करते हैं तो दूध के साथ प्राण भी पीना शुरू करते हैं, जब उसके प्राण को भी पीना शुरू करते हैं तब अरे मुंच मुंच अलम इति अलम, जैसे कोई बच्चा दूध ज्यादा पी जाए तो माँ छुड़ा देती है, बहुत हो गया पेट दर्द करे, अलम इति मुंच, छोड़ दे अब ज्यादा दूध मत पी, तेरे लिए बहुत हो गया। भगवान ने कहा, जिसको पकड़ लेता हूँ छोड़ता ही नहीं मैं तो, अब तो पकड़ में आ गई। जब दूध के साथ प्राण भी पीने लगते हैं तब असली रूप में आई, अरे अरे ये तो छोड़ता नहीं, असली रूप में आई। आप जितने गोप गोपी, ये क्या है? और वो भागी वहां से चिल्लाते हुए, हाय मर मर गई, हाय मैं मर गई, और भगवान दूध पिए जा रहे हैं, और बाहर आकर के विकराल रूप में पूतना मर के गिर पड़ती है। जब पूतना गिरती है तो 6 कोस के पेड़ नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद सब ग्वाल लोग दौड़े आए, कहते हैं सीढ़ी लगाई, इतनी बड़ी पूतना थी, उसके ऊपर चढ़े, वहां लाला खेल रहा था, उसको पकड़ के ले आए, यशोदा मैया को दिया, एक लाला को नहीं संभाल पाती हो? यशोदा मैया रोती रोती लाला को लिया, न जाने कहां से पापनी आ गई थी, अरे हाँ क्या क्या अला बला। और यशोदा मैया को बस एक है, भगवान को लेकर के पहुंच गई जल्दी से गौशाला में पहुंची। यशोदा रोहिणीभ्याम तम समम बालस्य सर्वता रक्षाम विधिधरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम्। महाराज गाय का पूंछ पकड़ के, लाला तेरे आंख की रक्षा आदित्य देवता करें, हाथ की रक्षा इंद्र करें, पांव की रक्षा विष्णु देवता करें, कानों की रक्षा अमुक दिग देवता करें, ऐसे पूंछ सब अल्लाह भला जैसे। तब उतने में भी चैन नहीं मिला, वही पटा पे रखा और भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया, न जाने कौन सी राक्षसी थी। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर, तब तक उपटन लगाया, उपटन काय का वहीं पर जा गोबर का, न जाने कौन सी लाल, ये माताएं ऐसे करती हैं, जो भी करती हैं। हाँ भगवान की रक्षा किया, नंद बाबा उधर से आ रहे थे, इतनी बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है कैसे करें, बहुत कहीं पर लकड़ी इकट्ठा की गई, उसके अंग भंग करके वहां रखा और चिता लगा करके जला दिया। जब चिता जलती है तो उससे जैसे कहीं पर हवन किया गया हो तो सुगंध आती है, लाश के जलने की बदबू नहीं आती, ऐसी सुगंध आती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान ने विचार किया कि वो मेरे पास आई, मेरी धाय माँ का काम किया, तो भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी को भी अपनी माँ का पद दे दिया। ऐसे भगवान को छोड़ के किसकी शरण में जाएं। पूतना का उद्धार किया,
इसके बाद भगवान की और भी बहुत सारी लीला होने लगती हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं बीच में, और एक दो लीला का हम थोड़ा चिंतन करते हैं। हाँ, धीरे धीरे जो ब्रज की गोपियां हैं सबका मन लग गया। एक और देखो वर्णन है, ये दुनिया के लोग हैं ना, जब फायदा होता है तो सब करते हैं। एक गोपी जा रही थी दही बेचने, मक्खन बेचने, यशोदा जी के दरवाजे से निकली, भगवान का पालना रखा हुआ था, भगवान वहाँ पर बढ़िया खेल रहे थे, वो गोपी खड़ी हो गई देखने लगी, भगवान उसको देख के बहुत मुस्कुराए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो गोपी गई बेचने के लिए, तो रोज से उसको दूना तिगुना कमाई हुई। उसने आके अपनी सारी गोपियों को, सखियों को बताया, कल मैं जब गई थी ना तो यशोदा के दरवाजे से गई थी, वो लाला को देख के गई थी, दूना तिगुना फायदा हुआ। महाराज अब जितनी गोपियां हैं सब जब दूध दही लेवे तो वही दरवाजे पर से जावे। हाँ, क्यों, किस लिए? क्योंकि लाला एक बार दिखाई पड़ जावे, लाला का दर्शन हो जावे, और धीरे धीरे भले किसी भी भाव के साथ भगवान के साथ जुड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेम हो जाता है, अपनापन हो गया। लाला मेरा अपना है, कितना हमको देखते मुस्कुरा पड़ता है, हमको देखते टुकुर टुकुर देखता है। सारी गोपियां वहां से अब निकलती हैं एक एक करके। धीरे धीरे 3 महीना हो गया, तीसरा महीना है। तीसरे महीने ऐसे दर्जनों गोपियां खड़ी थी, कोई दूध दही लिया है जान रहे बेचने के लिए, लाला पालने में लेटा है, और लाला देखते देखते हंसा जोर से, हंस करके, और भगवान ऐसे करवट बदल गए अपने आप। जैसे करवट बदले सारी गोपियां चिल्लाई, ए यशोदा सुनो सुनो इधर आ, देख लाला करवट बदल गया, लाला ने करवट बदली। यशोदा मैया दौड़ के आई, अरे अरे लाला ने करवट बदल ली, उठा लिया, ऐसे नहीं कुछ खिलाओ पिलाओ। हमारा भारतीय दर्शन, हम उत्सव प्रधान हैं, हमारा उत्सव प्रधान है, जन्म लेने में भी उत्सव मनाएंगे, हाँ कोई भी संस्कार होवे तो उत्सव मनाएंगे, और मरने के बाद भी खिलाएंगे पिलाएंगे। हमारा धर्म है रोने वाला नहीं, बिलाप करने वाला। वो टीवी पे जा रहा है इसलिए थोड़ा संकोच में बोल रहा हूँ। हमारा धर्म विलाप करने वाला नहीं है, हमारा धर्म उत्सव प्रधान है, आनंद प्रधान है। हम हर दिन उत्सव मनाते हैं, फसल कटी तो भी उत्सव है। हा? तो बरसात होने लगी तो भी उत्सव मनाते हैं हम, महाराज हम तो आनंद वाले। अब खिलाओ पिलाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। यशोदा मैया ने कहा मेरे यहां कोई कमी है, 1,00,000 गवें हैं, कल सब आ जाना, चुलिया न्योता। कौन सा न्योता हुआ? चुलिया निवार के चुलिया न्योता, चुलिया निवार। चुलिया निवार माने आपके घर पे 4 मेहमान आ जावे तो भी लेके आ जाना, घर पे खाना मत बनाना, कोई घर आपके घर का चूल्हा बंद, हाँ धुआं बंद। अच्छा तुम्हारे यहां धुआं बंद हो जाता है। सब लोग आ जाना। यशोदा मैया ने पूरे गांव को न्योता दे दिया, कल आना सब, मेरे लाला ने करवट बदली है, सबको न्योता। अब महाराज दूसरे दिन यशोदा मैया सब दास दासियों की, हे व्यवस्था कराओ सबकी बैठने की, सबको भोजन की व्यवस्था करनी है। सब दास दासियां लगी हैं, और महाराज पूरे गांव के लोग तो इतने आनंद में, आज तो यशोदा मैया ने न्योता दिया, चलो चलो सब लोग चलो, सब गीत गाती हुई भजन गाती हुई चली आ रही हैं। आज नंद के द्वारे भीड़ चारों तरफ से, अब यशोदा मैया के दरवाजे पर इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं। यशोदा मैया के बरामदे में लोग हैं, घर के अंदर लोग हैं, बाहर लोग हैं, चारों तरफ। यशोदा मैया ने कहा बैठने की जगह कम हो गई, क्या करें? तो बाहर एक बैलगाड़ी रखी थी, छकड़ा जिसमें बैल जुतते थे, उसी बैलगाड़ी के ऊपर घर का सारा सामान लाके रखने लगी।
न्योता खत्म हो जाएगा तो घर पे रख लेंगे, तो घर की पेटी, घर का बिस्तरा, घर का सामान सब बैलगाड़ी पे, दूध दही के मटके सब बैलगाड़ी पे रख दिया ला करके, घर में थोड़ी जगह बैठने की बनानी, खाली कर ली। अब घर में थोड़ी जगह खाली है, लोग आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, और आते जा रहे हैं, और बैठते जा रहे हैं, महाराज जगह अभी और भी कमी होती जा रही है। अब क्या करें? अब यशोदा मैया ने एक जगह देखा, ये लाला का जो पालना है ना, ये भी 5-6 आदमियों की जगह घेर रहा है। अगर ये लाला का पालना भी हटा दें तो 5-6 लोग और भी यहां बैठ सकते हैं। यशोदा मैया ने अपनी एक दासी को, ले इधर आ, इधर आ, चल पालना पकड़। एक तरफ से यशोदा मैया ने पकड़ा, एक तरफ से दासी ने पकड़ा, लाला बीच में है पालने में, ले चल, ले चल बाहर। दासी ने कहा किधर? यशोदा मैया के घर के बाहर। भगवान पालने में मुस्कुराए, ये दुनिया वाले, हाँ, जिसके लिए उत्सव मना रहे हैं उसी को घर के, देखो गड़बड़ हो रहा है ना, जिसके लिए उत्सव मना रहे हैं उसी को घर के बाहर। अब घर के बाहर लेके आए, बाहर थोड़ा धूप खिली हुई है, कौन सा महीना है, भादों में भगवान प्रकट हुए हैं, तो कुवार कार्तिक अगहन, हाँ, चारों तरफ थोड़ा धूप लगी है, लाला को धूप लग जाएगी, क्या करें, कहाँ रखें, कहाँ रखें, कहाँ रखें, तो दिखाई पड़ा वो जो बैलगाड़ी रखी है ना, उसके नीचे छाया है, हाँ, ले चल, ले चल, उसके नीचे ले चल। महाराज पालना ले आए, बैलगाड़ी के नीचे छाया के कारण वहां घुसा के रख दिया यशोदा मैया। और उसके बाद लोग बहुत आए हैं, काम बहुत करना है, सबको खिलाना पिलाना है, सब यशोदा मैया तो उधर चली गई सबको संभालने के लिए, भगवान उस छकड़े के नीचे पालने में लेटे। ये है संसार, ये है दुनिया। कुछ छोटे छोटे बच्चे चारों तरफ से आए, भगवान को देख रहे हैं, भगवान के सखा लोग बिल्कुल छोटे छोटे, ए लाला देव, भगवान उतने में एक राक्षस कंस का भेजा हुआ आया, इसका पुराना नाम था उत्कच, लेकिन श्राप मिल गया था तो शरीर में नहीं दिखाई पड़ता था, अशरीरी। ये आके बैलगाड़ी पे बैठ गया, इसने सोचा बैलगाड़ी को ऐसे दबा करके और मार दो इसको, मेरे राजा कंस का दुश्मन है। जैसे बैलगाड़ी पर बैठ के दबाना चाहता है, भगवान पालने के नीचे ऐसे ऐसे खेल रहे हैं हाथ पांव। महाराज एक बच्चा जितना हाथ पांव फेंकता है, बच्चे में ताकत ज्यादा है कि आप में, हा? अब एक एक अब आप लोग, एक साइंस का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है पता नहीं, कि अगर एक कछुआ और एक हिरन दोनों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए दौड़ लगावें, तो वो एक समान काल में वो हिरन कछुए से ज्यादा तेज नहीं जा सकता। अब ये मत कहना कि हमको आंखों से जो दिखाई पड़ रहा है वो हम मानेंगे। अब ये विचार करने का बात हो जाएगी, ये चिंतन करने वाला बात होगा, वो काल और देश उसका विचार करना पड़ता है, उसका विचार करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहां पर अब ये चिंतन करने की बात है। अब एक छोटा बच्चा है, मैं कह रहा हूं आप 10 किलो वजन उठा लोगे, बच्चा 1 किलो नहीं उठा पाएगा, यही ना, आप 10 किलो की गठरी उठा लोगे, बच्चा 1 किलो नहीं उठा पाएगा। लेकिन बच्चा जब पालने में लेटा हुआ है तो वो जितनी देर तक हाथ पांव ऐसे ऐसे करता है, उसका आधा टाइम तक तुम करके दिखाओ, है किसी में दम? डॉक्टर बेचारा कह कह के थका जा रहा है एक्सरसाइज करना, महाराज 10 बार हाथ करो तो कहोगे बस थक गया है ना। अच्छा जितनी देर बच्चा रोता है आप उसका आधा टाइम तक रो के दिखाओ। कल हमारे मंच पर रो रहा था एक, वो नॉन स्टॉप रोता रहा था। जब से आया था तब से रोया था हमारा लाला, याद है ना। आप 10 मिनट उतर, 5 मिनट रो के दिखाओ, बच्चे में उसकी तुलना में
भगवान ऐसे ऐसे हाथ पांव फेंक के खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सारे बच्चे लोग देख रहे हैं। वो राक्षस ऊपर से दबा रहा है उस बैलगाड़ी को, दबा के मार डालूं। और भगवान ऐसे पांव फेंकते फेंकते एक बार ऐसे पांव ऊपर लगाया, भगवान का पांव बढ़ गया और जाके बैलगाड़ी से लगा। बैलगाड़ी जोरों से आवाज करती हुई उलट जाती है। महाराज उस पर ढेर सारा जितना गृहस्थी का सामान था सब टूट फूट गया। इतना जोरों की आवाज हुई कि चारों तरफ से लोग दौड़े, हाय क्या हुआ क्या हुआ। नंद बाबा आए, जल्दी से पालने से गोद में उठा लिया। अरे बैलगाड़ी कैसे पलट गई, बैलगाड़ी कैसे पलट गई। वो जो छोटे छोटे खड़े थे ना, उनमें से एक ने कहा, बैलगाड़ी पलटी नहीं बाबा। नहीं नहीं पलटी तो है। वो बच्चे ने कहा, बैलगाड़ी इसी लाला ने पलटाई है, एक लात मारी थी और बैलगाड़ी पलट गई, उसमें से कोई निकला था चला गया। बाबा कहते हैं ये बच्चों की बुद्धि भी खराब हो गई। अब सारा का सारा गोकुल वहां पर आके झुंड लगा के इकट्ठा हो गया। नंद बाबा भी, यशोदा मैया भी, रोहिणी भी, उपनंद भी, महानंद भी, सब के सब। अब भगवान भगवान कहां केंद्र में हो गए ना, अब भगवान केंद्र में हो गए, अब असली उत्सव हुआ। इसको कहते हैं सकटासुर भंजन, सकटासुर का भंजन। क्या कहें, बोल ही दूं। आप जैसे हम लोगों को कई बार किसी के घर पे भोजन के लिए बुलाते हैं, तुम लोगों का तो मैंने टाल दिया ना, तो कई बार भोजन पे बुलाए तो भगत लोग भोजन कराने के बाद कहते हैं, स्वामी जी जरा एक बार चरण डाल दीजिए सब घर में, ऐसा कई बार कहते। तुमने भी डलवाया था वहाँ, कहाँ हो, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड पे है ना, घुमाया था ना, तो वहाँ तो रहते नहीं थे। तो ऐसे जो है जब चरण डलवाने का होता है तो स्वामी जी हमारा बेटे का कमरा, ये बेटी का कमरा, ये हमारा ड्राइंग रूम, ये कुत्ते का कमरा सब दिखाते हैं। अब उसके बाद फिर सब देखते देखते जाओ तो स्वामी जी ये हमारा पूजा घर है। देखो एक किनारे पूजा घर, पूजा घर में छोटा सा कोठरी है, कोठरी में एक दीवार पे ऐसे आले बने हुए हैं, एक तरफ आलमारी रखी है, त्रिवेणी अलमीरा की है ना। देखो वो और त्रिवेणी अलमीरा की आलमारी के ऊपर एक ओनिडा टीवी का गत्ता रखा हुआ है, जिसको याद होगा ओनिडा टीवी वगैरह, टीवी नहीं रखा है, गत्ता रखा है, कुछ ना कुछ जो है बिस्तर बंद रखा है और ढारा सा रखा है। नीचे वाले खाने में भगवान जी विराजमान हैं, नीचे वाले खाने में भगवान जी विराजमान हैं, ऊपर वाले खाने में कुछ और चीज़ रखी है, डब्बा डुब्बी लोटा लुटिया लुटिया लुटिया, उसके ऊपर वाला और कुछ रखा हुआ है। तो जैसे हम ये दृश्य देखते हैं हमको तुरंत ये कथा याद आ जाती है। समझ में आया, आया कि नहीं हा? मतलब यही से दैत बना रहता था। भगवान चेतन है, आपकी गृहस्थी जड़ वस्तु है, चेतन के ऊपर जड़ को मत रखो, परमात्मा के ऊपर दुनिया का सरंजाम मत रखो, है ना। भगवान कहते हैं देखो अगर हमको नीचे रख दिया, ऊपर दुनिया भर का गृहस्थी का सामान रख दिया, तो मैं तुम्हारी गृहस्थी का सामान पलट दूंगा, ठीक है ना। जड़ वस्तु से इतना मोह मत रखो। कोई कहते हैं महाराज क्या करें, जगह नहीं है घर में। अरे तो जगह नहीं है तो अलग से एक चौकी रख लो, उस पर पूजा घर बनाओ, चौकी रख लो, दो ही कमरा हो गए तो एक किनारे एक चौकी रखो, उस पर पूजा घर बनाओ, लेकिन आले के ऊपर भगवान को रखना ठीक नहीं है। समझ आ रहा है ना, भगवान के ऊपर कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। आप मंदिर देखो, गुरुद्वारा देखो, गिरजाघर देखो, मस्जिद देखो, जो भी देखना है, भगवान के ऊपर कोई और कमरा बनेगा? मंदिर में भगवान विराजमान है, ऊपर एक कमरा बनवाओ के दिखाओ, क्योंकि इस तरीके का डिजाइन है कि ऊपर कमरा बन ही नहीं सकता ना।
तो भगवान के ऊपर कुछ मत रखो, चाहे मैं कह रहा हूं मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो। जब वेद जी हमारे कहीं होंगे, ध्यान दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा वही ध्यान देते हैं सेवा में, क्या करूं। जब हमारी कुटिया बन रही थी ना, तो हमने कहा कि ऐसे छत डलवाओ, ऐसे छत डलवाओ। तो उन्होंने कहा कि अरे पैसा तो उतने खर्चा होगा, सीधे डाल दें तो ऊपर भी कमरा बन जाएगा। तो हमने कहा हमारे पास चाहे होवे ना भूजी भांग ना होवे जेब में, लेकिन मेरे सिर पे कोई नहीं रहेगा, मेरे सिर पे कोई नहीं रहेगा। तो वहां पर देखो जो है कैसे डली हुई कुछ छत। अब तुम लोग भले कहो कि हाँ ऐसे डाले होते तो बढ़िया रहता, एक ही छत में हो जाता काम, कम पैसे में आ जाता। हमने तिरछी छत डलवाई, अब मेरे ऊपर कमरा बना के दिखाओ, हो सकता है क्या? हुआ डिजाइन सोच रहे हो क्या? तो भगवान के ऊपर और कुछ नहीं, यही है सकटासुर। सकट माने बैलगाड़ी, जड़। चेतन के ऊपर जड़ बुद्धि को मत लाओ। कुछ घटनाएं और घटती हैं। हम लोग गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद गोपाल राधे, तमस्मानं मन्यमाना आत्मनो गुरुमत्तया, गले गृहीत उत्सृष्टुं नाश क्रोध अद्भुत अर्भकम्, गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः। सातवां अध्याय 27वां श्लोक। एक दैत्य आया, कंस का भेजा हुआ बवंडर बन के, नाम था तृणावर्त। जैसे गर्मी में कभी तिनके का बवंडर घूम, बवंडर जैसे भगवान को आकाश में ले गया, यहां तो ऐसे ले गए भगवान उसका गला पकड़ लिए। गल ग्रहण उसका गला पकड़ करके दबा दिए और तृणावर्त मर गया। मतलब भगवान को ऐसे मारने में मजा आता था। किसी को घूंसा मार के मारा, किसी को लात मार के मारा, किसी का गले को तृणावर्त को। एक बार यशोदा मैया दूध पिला रही थी लाला को, उनको लगा लाला दूध ज्यादा पी लेगा, तो भगवान ने यशोदा मैया को अपने मुंह में पूरे विश्व का दर्शन कराया। श्री सुकवास गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप। एक बार गर्गाचार्य जी मथुरा के हैं, वसुदेव और देवकी जी के कुल पुरोहित हैं। जैसे कल भी कह रहे थे ना, हम कुल पुरोहित हैं, प्रतापगढ़ से आए, तो सबके कुल पुरोहित अलग अलग थे। नंद बाबा और यशोदा मैया के कुल पुरोहित हैं जिनका नाम है सांडिल ऋषि, सांडिल ऋषि। और वसुदेव और देवकी के कुल पुरोहित हैं जिनका नाम है गर्गाचार्य जी। कंस के भी एक पुरोहित थे जिनका नाम था सत्यक,
भगवान ने उनको दंड दिया था सत्य, वो मारने के लिए भेजे गए थे और भगवान ने बहुत उनको जो है टेढ़ा मेढ़ा करके भेजा था, मारा नहीं था लेकिन जिसको कहते हैं 8 जगह से टेढ़ा बना के भेज दिया क्योंकि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो तो ऐसा सबके कुल पुरोहित। तो एक बार गर्गाचार्य जी आए गोकुल और आकर के सीधे जाकर के सांडिल ऋषि के आश्रम में रुके, दोनों पुरोहित हैं। अब नंद बाबा ने सुना कि मथुरा से इतने बड़े विद्वान विप्र आए हैं, महापुरुष आए हैं, तो नंद बाबा गए उनको स्वागत करने के लिए, फल फूल लेकर के उनका स्वागत किया, सम्मान किया। महाराज आप आए बड़ी कृपा। गर्गाचार्य जी बहुत प्रसन्न, आप प्रसन्न तो हैं ना नंद? नंद बाबा ने कहा महाराज एक विनती है, मेरे दो बच्चे हैं, अभी उनका हमने नाम नहीं रखा, आप नाम रख दो, नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो एक बात ऐसा है ना कि नाम हम रख तो देंगे लेकिन मुसीबत यह है कि मैं हूं वसुदेव का कुलगुरु और तुम लोग ऐसे हो कि हर काम में उत्सव मनाते हो, खिलाते पिलाते हो, खूब हर काम में उत्सव मनाते हो, तो नाम रखेंगे, नामकरण उत्सव होगा तो तुम खूब मनाओगे और यह सूचना पहुंच जाएगी कंस को, तो कंस विचार करेगा कि वसुदेव जी का कुल गुरु उनके नाम को क्यों रखा। कंस के मन में संशय पैदा हो जाएगा, तो संशय पैदा हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चों पर विपत्ति आ सकती है। महाराज नंद बाबा ने कहा महाराज हम कोई उत्सव ही नहीं मनाएंगे, यही एक घटना ऐसी है जहां कोई उत्सव नहीं मनाया गया गोकुल में, किसी को नहीं बतावेंगे, जो हमारी गौशाला है उसी गौशाला में एक जगह पर थोड़ा लीप लेंगे, जगह ठीक कर लेंगे, वहीं पर बस केवल हमारी यशोदा रोहिणी दोनों बालक और हमारे गुरुजी सांडिल ऋषि, सांडिल ऋषि की एक बहन जो वहीं रहती थी पौर्णमासी, वो हम इतने लोग रहेंगे, आप नाम रख दो। गर्गाचार्य का ठीक है नाम रख दूंगा लेकिन ध्यान रखना कोई उत्सव नहीं मनाना, तो इसमें कोई उत्सव नहीं है, जयकारा बनाओगे कि नहीं बनाओगे आप जानो, क्योंकि जयकारा की भी धुन चली गई तो कोई उत्सव नहीं। अब वो अंदर नामकरण की बात तैयारी हो गई, नंद बाबा वहां से आए सवेरे आना महाराज नामकरण करने के लिए, अंदर जो यशोदा जी थी और रोहिणी जी थी ना, दोनों में होने लगी बातचीत। रोहिणी जी बड़ी प्रसन्न, अंदर से बड़ा प्रसन्न था, आज हमारे गुरु जी आए हैं, महाराज ये बनाओ खीर बनाओ मुग बनाओ ये बनाओ, आज हमारे गुरु जी आए अंदर से बड़ी प्रसन्न है। यशोदा जी कह रही इतनी खुश क्यों हो? अरे मां, अरे यशोदा समझती नहीं हो कितने ज्ञानी महात्मा आए हैं हमारे यहां पे। यशोदा कहती है ज्ञानी तो होंगे ये बात तो ठीक है लेकिन अपने गुरु सांडिल ऋषि से ज्यादा ज्ञानी थोड़े होंगे, देखो सबको अपना ही अपना वाला ज्यादा बढ़िया लगता है। ये रोहिणी मैया कहते हैं हाँ सांडिल ऋषि भी महान है, वो भी अच्छे ज्ञानी हैं, लेकिन गर्गाचार्य जी के तो कोई तुलना ही नहीं है। महाराज दोनों के बीच में इसे बात बात में बात बढ़ गई, कौन ज्यादा ज्ञानी ध्यानी है, तो वो कहती है नहीं हमारे सांडिल ऋषि, वो कहती नहीं हमारे गर्गाचार्य जी। दोनों के मन में आया चलो परीक्षा लेके देखें, ये महाराज बड़ों बड़ों के मन में आ जाता है, अब कैसे परीक्षा लेंगे? तो यशोदा जी ने कहा मैं बड़े वाले लाला को गोद में ले लेती हूं, रोहिणी तुम छोटे वाले लाला को गोद में ले लो, अगर ज्ञानी महात्मा होंगे तो जान जाएंगे कि कौन किसका बालक है, बस यही ये पहचान थी। रात दोनों लेकर के आई, आकर के बैठी और इधर जो है गर्गाचार्य जी बैठे हैं, सांड ऋषि बैठे हैं, नंद बाबा बैठे हैं, सांड ऋषि की बहन थी पौर्णमासी जिनका एक बेटा था वहीं रहता था मनसुखा, मनसुखा माने जिसके पास बाहर का सुख नहीं है, कहाँ का सुख है? अरे मन ही का सुख है और क्या, हाँ बाहर की वस्तु नहीं है, बेचारा ननिहाल में पल रहा था ना मामा के यहाँ पे, तो भगवान की गोप मंडली में है,
तो ऐसे सब इतने लोग बैठे हैं। और उसके बाद भी अब जब पंडित जी ने गर्गाचार्य जी ने जल छिड़का, ओम पवित्रा पवित्र वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा, ओ सब किया, अच्युताय नमः माधवाय नमः, और कहा है आगे ये तीन नाम ले लो सारे पापों से मुक्त हो जाओगी, अच्युतानंद गोविंद, बस तीन नाम बस जो आचमन कराते हैं सब किया। उसके बाद जब नाम रखने का समय हुआ तो पहले ऐसे देखा यशोदा की तरफ, यशोदा का दिल धक धक किया क्योंकि बात तो अंदर वाली थी ना, ये सुन ऐसे देखा, भाई हम भी किसी को अगर घूर के देखते हैं तो उसका दिल धक धक करता होगा जरूर। ऐसे ऐसे गुरु जी ने देखा और देख करके उंगली उठाई, उंगली उठाई, उंगली उठाने की जरूरत नहीं थी वहां पे, लेकिन उंगली उठाई, अयम ही रोहिणी पुत्र, देखो ऐसे बोला, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये बोलने का जरूरत नहीं थी लेकिन बोला, क्यों, ये जो यशोदा की गोद में रोहिणी का बेटा है इसका नाम मैं रखता हूं, ये बल में बहुत महान है और सारे सब जगत को आनंद देता है रमाता है, इसलिए इसका नाम रखता हूं बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की, इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। महाराज यशोदा मैया बिल्कुल, और जो रोहिणी जी थी ना उनका सीना थोड़ा चौड़ा हो गया, देखा मैं कहती थी, हाँ देखा कहती थी ना कितने ज्ञानी हैं, जब इधर मुड़े रोहिणी की तरह, क्या कहूँ इनके बारे में, इनके बारे में तो कुछ कहने का है ही नहीं। ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, भगवान शिव जिनका ध्यान करते होंगे वही इस रूप में है। इदानीम कृष्ण ताम गता, ये सतयुग में भी त्रेता में भी सब समय पर रहते हैं, देश काल वस्तु से अपरछिन्न तत्व हैं, इस समय थोड़ा सांवले सांवले से बन के आए हैं, इसलिए इनका नाम रखता हूं कृष्णा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, जो जीवों के मन को अपनी तरफ खींच ले, में चाहे माखन चुराना पड़े चाहे मटकी फोड़नी पड़े, जीवों के मन को अपनी तरफ खींचने वाले का नाम पड़ा कृष्णा, आकर्षित इत कृष्णा, जो आकर्षित कर ले में, खींच ले में। अब इसके बाद नामकरण करके चले गए, अब दोनों भाइयों का नाम भी हो गया। इसके बाद कुछ दिन और बीते, उसके बाद एक लीला जो बड़ी मशहूर है सब जगह पर, हमारे हेमंत जी कह रहे थे यहाँ भी कुछ हम करें, अभी महोली में पिछले बार था भागवत तो रखा था कुछ, कौन सी, भगवान की माखन चोरी की लीला, माखन चोरी की लीला बहुत प्रसिद्ध है, और बंबई वगैरह में तो एक बार बैन कराया गया, वहाँ की नगर निगम ने बैन किया माखन दही हांडी, बैन किया था शायद कोई, है ना, बैन किया था, कोर्ट में भी गया था, कोर्ट में भी गया था, देखो तो दही हांडी वाला जो है माखन चोरी का, हाँ तो ये हमारी हमारी अपनी परंपरा पर, उनके यहाँ बकरा हजारों कट जाते हैं उस पर बैन नहीं करेंगे, हाँ हाँ एक दिन उस दिन मेनका गांधी भी भूल जाएंगी कहाँ चली जाती हैं, एक कुत्ता को कुछ हो जावे तो मेनका गांधी आ जाएंगी, गधा को कुछ आ जाओ तो मेनका गांधी आ जाएंगी, अरे जीव हिंसा मत करो, अब ये लोग ज्यादा जानते होंगे दिल्ली वाले, है ना, जरा सो जाए और लाखों की संख्या में काट दिया जाते हैं ऊंट, और उस दिन के लिए वो कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, गाय के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे, बताओ कैसी, काश काश की वो, हाँ जीव प्रेमी, अरे भैया जीव प्रेमी हो तो वो भी तो जीव है, बकरा जीव नहीं है, मुर्गा जीव नहीं है, ऊंट जीव नहीं है, सबके लिए आप दया वालो बनो। हमारे वेद में लिखा है मां हिंस्यात सर्वभूता नाम, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, किसी भी प्राणी, हम नहीं, हम उस पक्ष में नहीं है कि मंदिर में बलि चढ़ाई जावे, ठीक है,
हम आज अगर कोई हो सके तो मैं मंदिर में बलि चढ़ाई जावे इसके पक्ष में नहीं हूं, तो लेकिन मैं मस्जिद में काटे जावे उसके पक्ष में भी नहीं हूं ना। सब जगह पर रोक लगा दो, जीवों की हिस्सा नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, खैर हर इच्छा। तो माखन चोरी पर हमारे धर्म के जितने चीज हैं, जैसे होली दीपावली आएगी, होली आवेगी तब शुरू हो जाएंगे पानी की बर्बादी। अरे कौन वो नचनिया लोग ज्ञान देने आ जाएंगे, भाड़ ज्ञान देने आ जाएंगे। हाँ और उनके घर पे जो घर के अंदर स्विमिंग पूल बना करके वहां पर करते हो, लाखों लीटर बर्बाद, उसमें उसमें पानी नहीं है, अपने अपने घर पे स्विमिंग पूल बना करके उसका नाश कर रहे हो, पता नहीं। होली आ गई तो, दीपावली आ गई तो कोर्ट भी सामने आ जाएगी, पटाखे बंद करो। तो जब स्टेडियम में जब कोई जीत जाता है तब भी पटाखे बंद करा दो, उस समय भी तो पटाखे फोड़ते हो, दूसरे समय भी पटाखे फोड़ते हो, तीसरे समय भी पटाखे फोड़ते हो। आप कंपनियां बंद कर दो, बनाना बंद कर दो। पता नहीं, हमारे देश की और हम लोग जो, इसीलिए हम लोगों का एक चीज है दो, जो मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार है उसके साथ हम हैं, धर्म रक्षति रक्षिता। हमारे धर्म की रक्षा के लिए जो तैयार है उसके साथ हम हैं। कोई तो हो जो हमारे धर्म की बात करे। आज हमारे लिए केदारनाथ की सुंदरता, काशी की सुंदरता, अभी हम उज्जैन की सुंदरता देख करके आए, कोई तो धर्म की बात करता है, नहीं तो जिसको देखो टोपी लगा के घूमने के लिए तैयार। धर्म रक्षति रक्षिता, आप सबके लिए मैं कह रहा हूं, हमको वोट उसी को देना है जो मेरे धर्म की रक्षा करे। मेरा कन्हाई, मेरे कन्हाई पांडव के पक्ष में नहीं थे, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए, मेरे कन्हाई धर्म के पक्ष में, क्योंकि धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, उधर दुष्ट दुर्योधन है, तो जहां धर्म है वहीं भगवान है। ये बात थी, जीवन में कभी इससे हम डावाडोल नहीं होते। हमको किसी समय पर किसी ने पूछा था, आज के 15-20 साल पहले यहीं लखनऊ में पूछा था, स्वामी जी किसको वोट दे के आए आप, हमसे पूछा था, तो हमने बताया, निशान बताया, हमने कहा इसको वोट दे के आए। उनका ये कौन सी पार्टी है, परचिम था, हमने कहा इसका नाम है हिंदू महासभा, नाम सुना तो होगा ना, उस जमाने में यहाँ पर बलराज मधोक था उस जमाने में, कब की बात है। हाँ हमने कहा हिंदू महासभा को, बोले ये तो हार जावेगा। हमने कहा भले हार जावे, मैं अपना वोट का परसेंटेज बढ़ा रहा हूं, वोट हम उसको देंगे जो हमारे धर्म की बात करेगा। तो वो उन लोगों का वोट बैंक है, एक बार उनके यहां पर घोषणा हो गई कि इसको वोट देना है, पूरा थोक में चला जाता है, और हमारे यहां सब अपने लोग जड़ काटने के लिए तैयार होते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, कहां से कहां भटक जाता है भाई विषय। तो भगवान माखन चुराते हैं। एक समय पर भगवान सब गोप सखाओं के साथ बैठे हुए हैं, एक गोप सखा उसमें थोड़ा दुबला पतला है, भगवान ने कहा तू दुबला पतला क्यों है। उसने कहा मेरे घर पे कोई 1,00,000 गाय थोड़े हैं, खूब माखन खाऊं मोटा हो जाऊं। भगवान ने कहा मैं खिलाऊंगा, चोरी करके खिलाएंगे, मेरा मित्र मेरा अपना स्वस्थ होना चाहिए, है ना, सही है। हमारे इधर इधर थोड़े दिन में चलन हुई है, 15-20 सालों में, 25 सालों में, जितनी लड़कियों को देखो सब का सब ऐसे होना चाहते हैं, फूंक मारो तो उड़ जाऊं। पता नहीं कौन से उनके जो है आदर्श बन गई हैं, कौन कपूर की जो है, कैटरीना की, राम जाने, जिनको देखो यहीं से ऐसे मरी मरी सी जो है, खाना नहीं खाएंगी, ये करेंगी, क्या कर रही हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। हमारे यहाँ सुंदरता की पहचान ही नहीं थी। दक्षिण भारत में चले जाओ, पूरा का पूरा मंदिर का दर्शन करो, हजारों मूर्तियां होंगी मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में, रामेश्वरम में, ऐसे मरियल सी नहीं होंगी कहीं पर।
ढूंढ के बताना। सुंदरता की परिभाषा आपके मन बुद्धि से होता था, स्वस्थ होना चाहिए। अब हम पर मत लागू करना जो देख रहे हो घोर करके। सुंदरता माने जो है स्वस्थ हो, खाए पिए हो ठीक ठाक, बिल्कुल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन ठीक हो। भगवान अपने मित्रों के साथ जाकर के कभी किसी के यहाँ माखन चुराते हैं, कभी किसी के यहाँ माखन। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पित योगी मरकान भोक्षयन विभजति सचेन्नात् भांडम भिनत्ती द्रव्या लाभे सगृह कुपतो यात्युपक्रोश्यतो कान। माखन चोरी, बहुत सारी कथाएं हैं, और सही कहूं तो भागवत जी में वो प्रसंग कथा नहीं है। भागवत जी में 18,000 श्लोक में से 3 श्लोक हैं जिसमें माखन चोरी की कथा का वर्णन है। एक श्लोक मैंने पढ़ दिया, 2 श्लोक और है। 18,000 श्लोक में से 3 श्लोक में माखन चोरी का वर्णन है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? किसी दिन होमवर्क करो, मोबाइल लेके बैठो। और हम लोग कहते हैं ना 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335, 18,000 श्लोक, तो गिनती करो। हमारे सामने जो भागवत जी आज उपलब्ध हैं गीता प्रेस वाला, उसमें कितने श्लोक हैं? हर अध्याय के आखिर में श्लोक की गिनती है, लिखी हुई है। इस अध्याय में 50 श्लोक हैं, 60 श्लोक हैं, 70 श्लोक हैं। आप कैलकुलेट करो तो 15 मिनट में गणना कर सकते हो। हमने जब गिना तो इसमें लगभग 14,000 श्लोक हमको प्राप्त हैं, 14,048 श्लोक। किसी ने कहा 14,615 है, 18,000 पूरे वर्तमान में हमको उपलब्ध नहीं, तो 14,000 इतने हैं। तो किसी संत ने कहा कि ऐसा करते हैं, इसमें जो अंत में पुष्पिका है, श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिता, जो अंत में पुष्पिका है उसके भी अक्षर गिन डाला, एक एक अक्षर, जितना इसमें नारद उवाच व्यास उवाच है उसको भी गिन डाला। और सबको गिन के 32 अक्षर से भाग किया, क्योंकि 32 अक्षर का छंद होता है अनुष्टुप छंद, वो भी भागवत में जो लिखा है वो भी एक तरीके से यही। सब गिन डाला तो कुल श्लोक की संख्या हुई 17,999। पूरा गिन डाला तो एक एक अक्षर, हम संतों का यही काम है और क्या है, 17,999। कहा अभी भी एक श्लोक कम है, तो जो एक श्लोक कम है वो है हमारी राधा जी, जो दिख नहीं रही लेकिन सब जगह पर है, जो हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही, ऐसे वर्णन किया जाता है। तो इसमें केवल 3 श्लोक है जिसपे माखन चोरी का वर्णन है, 3 श्लोक में। लेकिन वृंदावन का कथा वाचन करने वाला 3 दिन माखन चोरी सुनावेगा, और बाकी सारी कथाएं सब गायब, 3 दिन माखन चोरी सुनाएंगे, 3 श्लोक में है बस। मरकान भोक्ष हस्ताग्राहो रचेत विधिम पीठ को लोखलाद्ययी छिद्रम ह्यंत निहृत वहीना सिक्य भांडे सुतद्वित ध्वांता गारे धृतमणि गणम स्वांगम अर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यरहि गृह कृतेषु सव्य ग्रसिता। एक बात बता के हम आगे बढ़ते हैं। माखन माने भक्तों के हृदय की चोरी, मक्खन माने भक्त का हृदय, हमारे प्रेमी का मन, मन ही मक्खन है, मन को ही यहां पर मक्खन कहा। भगवान को ताजे मक्खन पसंद थे, बासी मक्खन कभी पसंद नहीं था, ये पहला ध्यान रखना। ताजा मक्खन पसंद था, बासी मक्खन कभी भी पसंद,
कभी बासी मक्खन की मटकी मिल जाती थी तो मरकान भोक्षण बंदरों को खिला देते थे, खाते नहीं थे। ताजे मक्खन में दो लक्षण होते हैं, विशेष तौर से ताजे मक्खन का। सबने निकाला तो है मक्खन, है ना, दही मत के। ताजा मक्खन बिल्कुल कोमल होगा और बासी मक्खन कठोर हो जाएगा। ताजा मक्खन निकालो ऐसे पूरा, चाहे जितना ऐसे ऐसे करो, हाथ में वो कुछ ना कुछ लगी रह जाता है। और ये सब माताएं महाराज पूरा निचोड़ लेती हैं हाथ का, हाँ ऐसे ऐसे करके, फिर भी लगा रह जाओ भैया। ताजा मक्खन कोमल होगा और बासी मक्खन कठोर होगा, ये पहचान है। उसी मक्खन को रख दो मटकी में, सवेरे उठा के देखो वो कठोर हो जाएगा। दूसरा फर्क आप देखोगे, ताजा मक्खन बिल्कुल सफेद होगा, बिल्कुल सफेद होगा, और बासी मक्खन थोड़ा सा पीलापन वाला होगा, उसके अंदर का जो घी है उसके ऊपर छाई रूप में आ जाएगा, बासी मक्खन पीलेपन वाला होगा। ये दो फर्क बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा, ताजे और बासी। भगवान कहते हैं अपने मन को, अपने दिल को, अपने अंतःकरण को ताजे मक्खन के जैसा बनाओ, बिल्कुल कोमल और बिल्कुल सफेद सात्विक। अगर आप अपने मन को छुपा के भी रखोगे तो मैं उसको अपना ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बासी मक्खन जैसे जिसमें तमाम तरह की कामनाओं का पीलापन, इच्छाओं का जो है, वासनाओं का जो अंबार पीलापन है वो है, और कठोरता है पत्थर वाले हो, तो परमात्मा फिर आपको स्वीकार नहीं करेंगे। मन को ऐसा अच्छा बनाओ, सात्विक कर्म वाले, तब भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार है। दूसरी बात और समझना, मक्खन चोरी, भगवान अकेले कभी मक्खन नहीं खाए हैं। हमारे पक्षियों में महाराज कभी एकाध गुण कौवे से सीख लो। हम लोग कहते हैं शिक्षाद एकम, क्या सिंघात एकम, ऐसे वर्णन आया, एक गुण शेर से सीखो, बकुले से दो गुण सीखो, अमुक से तीन सीखो, उससे चार सीखो, ऐसे एक श्लोक है सुभाषित का। कौवे से एक गुण सीख लो, लाख उसके भीतर कर्कश है, लोग पसंद नहीं करते, लेकिन एक गुण कौवे से सीखा जा सकता है। कौवा कहता है तुमसे अच्छा मैं हूं, क्यों? क्योंकि मेरे सामने कभी कोई चारा डाल देवे तो मैं कभी अकेले नहीं खाता, कांव कांव करके पूरा जमात बुला लेता हूं। और आपको मिल जावे तो पूरा मिठाई का डब्बा अकेले छुपा के रख लोगे। तो हमसे अच्छा तो कौन हो गया, तो मतलब कौवे से भी गए गुजरे हो गए। अब कौवे को डाल के देखो, डाल के देखो, कौवा एक आएगा, जैसे देखेगा चारा तो कांव कांव करेगा और 2500 कौवे वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो शिक्षा लेना है। भगवान अकेले कभी नहीं खाते थे मक्खन, उनके साथ भगवान की गोप मंडली है, दाऊ भैया भी हैं, मनसुखा है, मधुमंगल है, भद्र हैं, तोक हैं, बरुथप हैं, श्रीदामा हैं, सुबल हैं, बहुत सारे गोप सखा लोग हैं सबके साथ में। तो ये गोप सखा लोग जो हैं ना, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, उसी गोकुल के ही तो हैं ना, गोकुल में जो गोपियाँ हैं उन्हीं के तो बच्चे हैं ना। गोपी की कोई आयु नहीं लिखी है भागवत जी में, भागवत में गोपी की आयु का कहीं वर्णन नहीं है। वो इतनी सी है वो भी गोपी है, और बड़ी सी है वो भी गोपी है। गोपी माने जो भगवान के रस का पान करता है, गोभ्या इव पिबत इति गोपी, जो परमात्मा के आनंद का रस पान करे उसी का नाम है गोपी। तो भगवान की गोप मंडली में उस गोपी का बालक भी है, जिस गोपी के यहां भगवान जाते हैं। मक्खन कहाँ छुपा के रखा है, असल में बताने वाला तो उस गोपी का लड़का ही है। कन्हाई मेरे घर में चल, मैं जानता हूं मेरी माँ ने कहाँ छुपाया है। लो, तो अगर मान लो मेरा बेटा अपने 4-6 दोस्तों को लेके घर पे आया, फ्रिज निकाल के सब खा गया, उधम किया, तो क्या कहोगे, चोरी किया, मेरा बेटा लेके आया ना। तो जब उसी गोपी का लड़का लेके जा रहा है,
भगवान को, तो प्रेम की भाषा है, मेरे दिल का अपना एक आह्लाद है, मैं कहता हूँ माखन चोरी, असल में माखन चोरी नहीं सीना चोरी है। और एक बात और, भगवान मन की बात सुनते हैं, जिस कभी मान लो भगवान वाणी की बात सुनने लगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप वाणी से कितना बुगल पुकारते हो, हे प्रभो, हा प्रभो, आ जाओ, कृपा करो, भगवान सुनते नहीं। भगवान सुनते हैं आप दिल से क्या कह रहे हो, भीतर से क्या कह रहे हो। अच्छा मान लो एक दिन भगवान तय कर लेवे कि आज मैं इस घर में जो भगत है, इस घर में जो ये दादी अम्मा बैठी हैं, इसके मुंह से जो निकलेगा सो पूरा कर दूंगा, वाणी की सुनूंगा, दिल का नहीं। एक दिन भगवान सोच लेवे, आज ये जो दादी अम्मा कथा सुन के आई हैं भागवत, इनके मुंह से जो निकलेगा वही पूरा कर देंगे, दिल की नहीं सुनेंगे, है ना। मान लो ऐसा भगवान ना करें, लेकिन मान लो भगवान सोच रखे, अब सवेरे से वो दादी अम्मा के मन में आया, आज हमारी बिटिया नहीं आई, बिटिया आ गई, आज हमको थोड़ा जलेबी मिल जाती खाने को, कोई जलेबी लेके आ गया, क्योंकि बाणी से जो मिल निकल रहा है सोई ही पूरा, दिल की नहीं बाणी की। दोपहर में दो बच्चे आपस में खेल रहे थे और दो बच्चों में कुश्ती हो गई और हमारा दे पटका पटकी दोनों, कौन, एक बेटे का बेटा और एक बेटी का बेटा, क्योंकि बेटी आ गई थी ना, तो कौन हो गए दोनों, नाती पोता, हाँ, दोनों में कुश्तम कुश्ती हुई, भय पटक पटका, और दादी अम्मा समझा करके, हाँ, ए चुप रहो, लड़ाई मत करो, ए जो, और इतना खींच गई, इतने, क्योंकि भगवान ने कहा था ना, क्या सोचा था सवेरे, कि जो बाणी से निकलेगा वो पूरा करेंगे, और इतने में दादी अम्मा के मुझसे निकल, तो का महारानी माई उठाई ले जाऊ। नहीं समझे तुम लोग ना, ये प्रतापगढ़ की भाषा है। इतने साल के बाद तो फंसे हैं बेचारे यजमान हमारे। अरे महारानी माई भी एक और हैं, धाधा माई खामे तो का। अब बताओ दादी, मतलब कहने का मतलब मर जा तू। अब बताओ भगवान अगर सोचे थे सवेरे जो मुंह से निकलेगा सो पूरा करेंगे, अगर भगवान मुंह का निकला पूरा कर दे मैं, तो भगवान आपके मुंह से क्या निकलता नहीं, भगवान आपके दिल की देख रहे हैं ना। वाणी से चाहे लाख गाली देवो, लेकिन फिर भी दिल कहता है मेरा पोता पोती जुग जुग जिए, मेरे बेटे बच्चे सब चिरंजीवी, यही तो ना, भगवान दिल की सुनते हैं महाराज, मुंह की नहीं सुनते। तो एक कन्हाई मेरे जितनी गोपियां हैं वो सब दिल से चाहती है कि कन्हाई मेरे यहां आवे चोरी करे, और मुंह से जाके यशोदा से शिकायत करती हैं, लाला बिगड़ गया, बरज लो, रोक लो, समझा लो, और दिल से चाहती हैं कि कन्हाई मेरे यहां। देखो समझ आ रही बात कि नहीं दोनों। जिस गोपी ने हृदय से चाहा कि भगवान मेरे यहाँ पर आवें, माखन चुरावें, भगवान उस गोपी के यहाँ पर जाते। आज हमारी एक सत्संगी भगत, वरुण जी समझ जाएंगे किसको मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रही हूँ वहाँ से। हमने कहा कि कभी तुम बुलाते नहीं हो घर पे, तो उन्होंने सीधे खरी खरी भाषा में कहा, हम कभी न्योता नहीं देंगे आपको, लो हम कभी न्योता नहीं देंगे तुमको, हम कब आपको न्योता थोड़े देते हैं महाराज, कितना हाँ। अरे स्वामी जी, उनके यहाँ मैं हफ्ते हफ्ते रुकता हूँ जा करके, हफ्ते हफ्ते जाके रुकता हूँ, हाँ, परिवार के पूरे लोग छुट्टी लेकर फिर रहते हैं साथ। और फिर अगली देखो, अब वाणी से तो कह दिया कि हम कभी नहीं बुलाते आपको, हाँ, हृदय क्या है, आपका अपना घर है, चाहे जब आओ, तो अब बताओ, आपका अपना घर है,
अपने घर आने के लिए कभी पूछना पड़ता है? देखो अब समझ, गैस लगा वरुण, बी के सिंह गैस लगाने में माहिर हैं। तो भगवान हृदय की सुत, मेरा कहने का मतलब गोपी दिल से चाहती है कन्हई मेरे यहाँ आवे, माखन चुरावे। सब एक वर्णन है गर्ग संगीता में, भागवत में नहीं है, गर्ग संगीता में लिखा है, कुछ नए लोग हैं। एक गोपी थी, उस एक नंद बाबा, छह भाई थे, छह भाई, नंद, उपनंद, महानंद इत्यादि। सबसे छोटे भाई की पत्नी है जिसका नाम है प्रभावती। उसका एक तकिया कलाम था, बात बात में बोलती थी, मैं सबको देख लूंगी, मेरा नाम प्रभावती है, मेरा नाम प्रभावती है, किसी से कम थोड़े हूं। हाँ क्या वो कोई बैठी है क्या? हाँ राम हमको ध्यान नहीं था, प्रभावती सामने है मेरे। तो अब वो प्रभावती के सामने सारी गोपियां मिलकर के चर्चा कर रही थी, ये लाला मेरे यहाँ आया ऐसा चुराया, मेरे यहाँ ऐसा चुराया। प्रभावती ने कहा और जगह पे चुराया, मेरे यहाँ चुरा के दिखावे तो बताऊं, मैं कोई कम हूं? महाराज भगवान ने मन में सोचा कल तेरे यहाँ ही सही। ओ प्रभावती गई, मक्खन निकाला, दही मथी और उसमें से थोड़ा सा मक्खन निकाला अपने बेटे को, अपने बेटे को जरा, आज बहुत मीठा मक्खन है, चीनी उनी मिला के दिया। हाँ और वो समझती जासूस यही है ना, हाँ उसको चीनी मिला का, और अपना मक्खन जो है मटकी में रखा। लाला चोर बड़े बढ़ गए हैं, बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा अपने गोकुल में ले जा करके, और ऐसे छत में से एक छीका लगा हुआ है उस छीके पे रख दिया, ध्यान रखना, ध्यान रखना, बड़ा कीमती मक्खन होता है, इसी से हम लोगों की गृहस्थी चलती है, चोरों से बचाना है। उस गोपी का बेटा भी कहता हम हाँ मैया हाँ मैया हाँ मैया, और उसके बाद दिखा करके और जल का मटका लिया, मैं जमुना जी से जल भर के आती हूँ, ध्यान रखना। उसने कहा हाँ मैया। जमुना जी से जल भरने के बहाने जो है मटका लेके बाहर निकली, बाहर निकल के उधर से जाके गौशाला में घुस गई, चुपचाप देख रही थी। इधर से उसी गोपी का, उस गोपी का जो लड़का था, चारों तरफ देखा, मैया गई जमुना जी जल भरने, थोड़ा देर में तो आएंगी, तो जल्दी से वो निकला वहां से, कन्हई को बुला के लाऊं। जैसे वो निकला वहां से कन्हई को बुलाने के लिए, ये गौशाला में से देख लिया, अच्छा गया वो, गया जासूस बुलाने के लिए, भाग करके लौट के आई, मटका वैसे खाली का खाली मटका एक किनारे रखा, एक डंडा लिया और वहीं जाकर के छुप के बैठ गई। वो गया है, अब आएंगी सारी मंडली, फिर देखती हूं। भगवान को लेके वो बालक आया, चल चल आज मेरी मैया ने बड़ा मीठा मक्खन निकाला है। सारी गोपिका मिलकर के ग्वाल लोग आए, बच्चे लोग भगवान के साथ में, कहाँ है कहाँ है, चारों तरफ देखे मक्खन कहाँ है। उसने कहा वो ऊपर लटका हुआ है, मेरी मैया ने वहां रखा है। भगवान ने कहा तेरी मैया बहुत बुद्धिमान है, हाँ इतने ऊंचे लटका के रखा है, तो मैं भी कम नहीं हूं, मेरा नाम कन्हू है, कन्हई है, चार पांच लोग नीचे खड़े हो जाओ। भैया नीचे लोग खड़े हो गए, उसके ऊपर तीन चार लोग और खड़े हो जाओ, और खड़े हो गए पिरामिड जैसा। सबके ऊपर कौन चढ़ेगा? भगवान ने कहा मैं चढ़ता हूं सबके ऊपर। भगवान धीरे धीरे सबके ऊपर चढ़ गए, एक हाथ से उस छीका पकड़ा ऊपर से रस्सी, उसको पकड़ा, और पीछे लग छुपी हुई देख रही है वो, हाँ लेकिन अभी प्रमाण पूरा नहीं हुआ है। भगवान ने उसमें से मटकी में हाथ डाला और वो मक्खन निकाल करके तुम खाओ मनसुखा खा ले मंगध। सखा लोग कहते कन्हई तू भी तो खा। भगवान हाँ पहले तुम लोग खाओ फिर खाता हूं, और पीछे से झांक रही है। हाँ अब भगवान ने मक्खन निकाला और अपने मुंह में लगाया खाए। जैसे मुंह में लग, अब देखो हाथ में भी लगा है और मुंह, जैसे अपने मुंह में लगाया मक्खन का, वैसे वो पीछे से उठी डंडा लेके, हाय हाय मेरा मक्खन, हाय हाय मेरा मक्खन। महाराज नीचे वाले तो वो भुर्र से भागे, हाँ और वो बेचारे ऐसे छीका पकड़े लटके रह गए।
ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। अब उस गोपी ने कहा उतरो महापुरुष, उतरो अब, कम नहीं है, ये सब भी कोई कम नहीं है। अरे आओ नीचे आओ नीचे आओ। भगवान कहते गोपी गलती हो गई, इस बार तो छोड़ दे, दोबारा तेरे घर में कदम नहीं रखूं। प्रभावती ने कहा इसी बार तो तू पकड़ में आयो लाला, अब नीचे उतर। अब भगवान को खुद उतारा उसने, भगवान से प्रेम तो है ही, उतारा उसने, हाथ पकड़ा। चल आज यशोदा मैया, ए यशोदा मानती नहीं ना, मैं आज तुझको दिखाती हूं। चारों तरफ से सारे सखा लोग इधर से उधर से, आज तो लाला पकड़ा गया, फंसा, क्या करे क्या करे। महाराज आप वो पकड़ करके और भुनभुनाती हुई लेके, समझते नहीं मेरा नाम प्रभावती है, ऐसी तैसी तेरी तुम्हारे बच्चों की, लेकर के यशोदा मैया की तरफ चल पड़े। उतने में पीछे पीछे सारे बच्चे भी है आगे पीछे घूम रहे हैं। महाराज सामने देखा तो एक चबूतरे पर 5-6 बुजुर्ग लोग बैठ करके कुछ सलाह कर रहे थे गांव की व्यवस्था के बारे में, पंचायत से। बुजुर्गों को देखा तो शर्म लगी, तो जल्दी से ऐसे एक हाथ से पकड़ रखा है, एक हाथ से घूंघट काढ़ लिया। जैसे घूंघट काढ़ा, भगवान ने इशारा किया, गोपी देख तू बड़ी कठोर दिल वाली है। उसने कहा क्यों कठोर दिल क्यों? देख तू इतनी बड़ी है, मैं इतना सा हूं, इतना कस के मेरा हाथ पकड़ा है, खून निकल आया खून। दया पसीज गई, क्या करो फिर? भगवान ने कहा अब तू मानेगी तो नहीं, मैया के पास तो ले चलेगी, पिटवाएगी मुझे, तो ये वाला हाथ पकड़ ले थोड़ी देर, ला दे दे वही वाला हाथ दे, बस इतने में तो काम हो गया। हाँ वो उसी गोपी का बेटा पीछे घूम रहा था, इधर आ इधर आ, उसी गोपी का हाथ ऐसे पकड़ा दिया बच्चे का। हाँ क्योंकि वो तो घूंघट काढ़े, उसको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ और भगवान उधर से जल्दी से गए और यूँ हाथ हाथ पूरा साफ सुफ करके और जा करके यशोदा मैया को ही अंदर काम कर रही थी, मैया मैया आज एक गोपी पगला गई है। क्या हुआ लाला? अरे वो जबरदस्ती देखना पकड़ के मेरी शिकायत करने आ रही है। मैया ने कहा ठीक है लाला छुप जा, आने दो मैं देख लूँ। हाँ मैया अच्छे से उसको सिखाना। ओ भगवान, भगवान अब उधर छुप गए हैं। आप ये यशोदा कहाँ हो कहाँ हो, देखो मैंने तुम्हारे लाला को पकड़ लिया मक्खन चुराते हुए, सबको खिला रहा था ये। यशोदा मैया आई, आके मुस्कुरा रही हैं। अरे यशोदा कुछ बोल नहीं रही हो? यशोदा मैया ने कहा गोपी यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं, अब तो घूंघट उठा तू, यहाँ कोई नहीं है, घूंघट उठा। जब उसने घूंघट हटाया कहा पहले देख तो किसको पकड़ के लाई है। जैसे बगल में देखा तो उसका अपना ही बेटा, अरे हाँ धड़ाक से एक थप्पड़ उसको मारा, तू कहां से मरा यहां? ए राम। यशोदा मैया ने कहा इतनी अकल तो मत खराब कर ले। अब वो बेचारी जिसको कहते घड़ों पानी गिर पड़ा, अब बेचारी क्या करे, शर्म के मारे वहां से ऐसे सर झुकाए चल पड़ी थी। पीछे पीछे हमारे कन्हाई का दल भी शुरू। अब इससे ज्यादा मजे का और क्या समय आवे। हाँ अब पीछे पीछे चले आ रहे हैं। इतने में किसी ने कहा आज मजा आया। हाँ ये गोपी बहुत अपने आप को समझती थी, 30 मार खां। हाँ ऐसी तैसी हो गई। भगवान पीछे से चिल्ला के बोलते हैं ए मेरे मन सुखा मद मंगल, सुनो श्री दामा, मेरा नाम कन्नू कनाई है, किसी ने एक बार मेरा हाथ पकड़ा तो पकड़ा, मैंने उसको बेटा बना, अगली बार हाथ पकड़ा तो पति ना बन जाऊं तो कहे कोई। मैंने पहले कहा ये कथा भागवत में नहीं है। गर्ग संगीता में है, गर्ग संगीता में।
तो बहुत सारी कथाएं भागवत में तो केवल 3 श्लोक में माखन चुराया, मैंने सिद्धांत बता दिया। माखन चोरी माने भक्तों के मन को भगवान अपनी तरफ खींच लेते हैं। मन आपका शुद्ध हो, सात्विक हो और हृदय से भगवान को पुकारो चाहो तो भगवान आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। एक बार भगवान ने मिट्टी खा ली, सब ने शिकायत किया, भगवान ने मिट्टी खा ली। दाऊ भैया भी आके शिकायत किए, यशोदा मैया ने पकड़ा। श्री कृष्ण वाच ना हम भक्षित वानंब सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम यद एवं तरही वेदेत इत्युक्ता सा भगवान हरि। ना अहम भक्षितवान अम्ब, हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। आप देखो भजन में जो सुर ताल लय होता है ना, उसमें कई बार जो है शास्त्र का जो है, पूज्य महाराज श्री कहते थे वेद के मंत्रों की टांग तोड़ दिया, ओ दोष हो जाता। अब वहां पर कोई राग भीम पलासी में और गायत्री मंत्र जपे और टांग टूट गई, वो शास्त्र महाराज जी ने बोला था अभी वो शब्द, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि ये एक बात मैं नहीं बोलूंगा, उन्होंने ऐसा बोला था। शास्त्र अपराध हो जाता है, शास्त्र अपराध हो जाता है। हर चीज की अपनी एक प्रक्रिया होती है। कई बार भजन गायकों को सुनोगे किसी को तो यहाँ पर इसका ऐसा अन्वय करेंगे, वो कहेंगे भगवान ने बिल्कुल ऐसे कहा, अम्बा अहम भक्षितवान ना सर्वे मिथ्या भी संसिना, ऐसे अन्वय किया, हे अम्बा मैंने मिट्टी खाई, ना सर्वे मिथ्या भी संसिना, सब झूठ नहीं बोल। किसने? अनूप जलोटा का भजन सुनना, ऐसे लोगों का अन्वय, ये बिल्कुल गलत किया, ये शास्त्र के साथ गलत किया। भगवान बिल्कुल झूठ बोले हैं, यहां दो राय नहीं है। क्योंकि अगली पंक्ति का अर्थ कैसे लगाओगे? अगर तुमको विश्वास ना हो तो मेरे मुंह में देख लो, इसकी इसका अर्थ कैसे लगाओगे? मेरे मुंह में देखो, पूरा प्रसंग देखना पड़ता है। तो वो लोग अन्वय ऐसा करके जो ठीक है कर ले कोई कुछ। हाँ महाराज आपको सही बताऊं, मेरे ख्याल में सवेरे के सत्संग में सब बुद्धि प्रबुद्ध लोग हो। पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज बहुत खिलाफ थे और शास्त्र के अनुसार एक पंक्ति के 9-9 अर्थ नहीं होते, वहाँ पर एक दोष आ जाता है, बहुत बड़ा दोष आता है, शास्त्री दोष आता है। एक एक पंक्ति का एक ही अर्थ होगा और दो अर्थ अगर कर दिया आपने तो संशय हो जाएगा। आपके लिए मार्ग एक ही होगा ना, चौराहे पर खड़े हो तो एक ही मार्ग पर जाना है आपको। हाँ शास्त्र में दो अर्थ नहीं निकलता जी, ये संस्कृत भाषा की अपनी महिमा है, वेद की महिमा है। लेकिन जब एक पंक्ति के 4-4 अर्थ करने लगते हैं ना तो उस पर संत लोग बहुत खफा होते हैं। हमारे यहाँ पर एक जैसे बुद्धिमान बहुत थे, अपने उपाध्याय जी थे रामकिंकर उपाध्याय जी, जितना एक पंक्ति का अर्थ उन्होंने किया उतना तुलसीदास जी ने सोच के नहीं लिखा होगा। बात बिल्कुल, हाँ एक पंक्ति के बहुत अर्थ नहीं होते, अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ बताना वो शास्त्र के साथ अपराध है। हाँ वो सब वो विद्वत समाज के लिए बात हो गई। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट, भगवान झूठ बोले लेकिन इसका मतलब कुछ और है। भगवान ने विचार किया कि मैं पृथ्वी पर आया हूँ, पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, संसार के लोग मेरे साथ अपराध करेंगे तो मैं क्षमा का गुण धारण कर लूं, सबको क्षमा करूं, इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, ब्रज रज की सब कामना करते हैं। भगवान ने कहा सबको तो ब्रज रज नहीं मिल सकती, मैं अपने भीतर का धारण कर लूं तो सबको मिल जाएगा।
इस भाव से भगवान ने मिट्टी ग्रहण किया है। लेकिन मैया के सामने कह दिया, मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे मुंह में देख लो, सब झूठ बोल रहे हैं। लो सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं कह दूं तुम सब झूठे हो, कब कब झूठे हो? जैसे एक शब्द पूछूं, आकाश नीला है कि नहीं, आकाश नीला है कि नहीं? अब वेदांत पढ़ पढ़ के तुम लोग जो है लगा रहे हो पुछल्ला, आकाश नीला है तो झूठे हो, है तो झूठे हो। सूरज घूमते हैं, हैं घूमते हैं, तुम बोल रहे हो। और सबसे पूछो गांव में, पूरा दोपहर ही हो गई, सूरज घूमते हैं, झूठे हो। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजु पहिचाने। अरे मार, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोग। हम तो कहेंगे जगत मिथ्या, सारा जगत झूठा है, तो झूठे में तो सारा झूठा है जी, तुम हो ये भी झूठा है। तो सर्वे मिथ्याभिशंसिना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और भगवान के मुख में मैया ने देखा, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है मैया को। ये दो घटनाएं यहां से सावधान रखना, क्योंकि ये आगे हमको अब ले जाना है महाराष्ट्र में, यहां से शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र में पहुंचना है। और महाराष्ट्र में वही पहुंचता है जिसने अपने जीवन में पांच महाभूत की शुद्धि कर लिया। पांच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको इसको संन्यास की विधि में बिरजा हो, ये पूरी प्रक्रिया है। भगवान ने पहले पृथ्वी माँ की शुद्धि किया, माने मिट्टी को धारण किया। इसके बाद कुछ और घटनाएं घटने लगी। एक दिन की बात है, यशोदा मैया को बन बड़ा खराब हो गया, मेरे लाला को सब ऐसा ऐसा बोलते, कल मैं स्वयं अपने हाथ से मक्खन निकालूंगी और अपने सामने बिठा के भर पेट खिला दूंगी, फिर कहाँ खाओगा कोई? दास दासियां ठीक से नहीं खिलाते होंगे, तभी लाला जाता होगा ना किसी के यहाँ पे। बस ऐसा विचार किया। और श्री शुकवात, एकदा गृहद आशीषो यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधी। सवेरा हुआ, भगवान अभी सोए हुए हैं, इतने में यशोदा मैया ने दही का मटकी लिया, मथानी लिया और स्वयं बैठ करके दही मथने लगी। किसके लिए? लाला के लिए। दही मथते मथते लाला की लीलाएं याद आने लगी। अरे ऐसी ऐसी लीला करता है, ऐसी ऐसी बात करता है, ऐसी बात करता है कि दिल बहुत खुश हो जाता है। देखो इसको कहते मनसा वाचा कर्म। कर्म किसके लिए? कन्हई के लिए। चिंतन किसका? कन्हई का। वाणी से विचार किसका? शब्द किसके? कन्हई के। जब तीनों कन्हई से जुड़ गया तो जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनके भीतर दूध पीने की लालसा पैदा हो गई, जग गए। ये है यहाँ पर मूल चीज। यशोदा मैया का पूरा जीवन लगा हुआ है, दधी मथे जा रही, मन में वही भाव है। अब यहाँ से बात समझना, यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं समझने की। अब मैया मथे जा रही, भगवान जग गए, जग गए रोते रोते। अब काजल रात में लगाया हुआ था, रो रहे तो आंख से भी जो है काला काला। मैया के पास, मैया मुझको दूध पीना है, दूध पीना है। यशोदा मैया ने भगवान को ऐसे बगल से लगा लिया, स्तन से ले दूध पी ले, और उधर मथते भी जा रही थी, दही भी मथती जा रही थी, काम भी कर रही है, भगवान को दूध भी पिला रही। इतने में एक विशेष गाय, कोई कपिला गाय थी, जिसका दूध भगवान को पिलाया जाता था, वो अग्नि के ऊपर रखा था पकने के लिए। आग थोड़ा तेज हो गई, वो दूध उफन गया। लो इसी पर विचार करने लगे संत लोग। संतों का यही काम है अपना चिंतन करना, और का उनका दूध क्यों उफना?
तो कह दिया उन्होंने कि दूध इसलिए उपन्ना कि दूध ने सोचा कि रोज तो कन्हाई को भोग लगता था, भगवान मेरा जो है भोग लगाते थे, प्रभु के काम आता था, आज मैया का दूध पी के पेट भर जावेगा तो हमारा भोग कन्हाई नहीं लगावेगा। तो जो जीवन परमात्मा के काम ना आवे उसको आग में डाल के जला ही देना चाहिए। हाँ, 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 समझ लेना, आपका जीवन भी भगवान के काम आना चाहिए और नहीं तो अब जैसे दूध जलने लगा तो सुगंध आई, जैसे सुगंध आई यशोदा मैया ने मथानी छोड़ी, कन्हाई को झटके से किनारे किया, भाग खड़ी हुई, वो जा करके वो मटकी को उठाना है आग पर से, वो मटकी को उठा करके अलग रखा। महाराज याद रखना वही वाली बात, भगवान तभी नाराज होते थे ना, कब, जब भगवान को छोड़ के कोई दुनिया संभालने जाता है। जैसे वहां गए भगवान नाराज हो गए, भीतर अतृप्ति है, अभी मन भरा नहीं था, नाराज हो गए, नाराज हो गए, उठाया वो लोढ़ा, लोढ़ा नहीं समझे होगा, मसाला पीसने वाला सिल्लोढ़ा, हाँ बट्टा, लोढ़ा नहीं बट्टा, हाँ अब जो भी कहना चाहो, सिल के ऊपर मसाला पीसने वाला सिल बट्टा, हाँ खा, हाँ सीतापुर में लोढ़वा बोलते हैं, हाँ वो उठाया, पत्थर का रखा था बगल में और भगवान को ताकत आ गई इतना उठाने की, बताओ, वो उठाया और वो जो दही का मटका था उसी पे भड़ाक से मारा, महाराज वो दही तो पूरे कमरे में फैल गया। इधर उधर देखा, एक बासी मक्खन की मटकी मिली, पुराना मक्खन, उसको ले लिया, उसको खाने लगे, लेके आंगन में चले गए, एक ऊखल रखा हुआ था, ऊखल नहीं, एक एक तो होता है बैठ के धान कूटने का और एक होता है खड़े होके धान कूटने का, बैठ के धान कूटने वाला तो अलग छोटा सा होता है बना के रखते थे, है ना, और खड़े होके कूटने वाला जो होता है उसको ऊखल बोलते हैं, पूरा इतना मोटा सा, उसी ऊखल पे बैठ गए और आसपास में ऐसे फेंकने लगे मक्खन, तो दो चार बंदर भी आ गए, हाँ और रोए भी जा रहे हैं। ये है दृश्य यहाँ पर, भगवान ने इशारा किया, मैया अगर मुझको धक्का दोगी ना तो मैं बासी मक्खन खाऊंगा, ऊखल पे बैठूंगा, ऊखल माने खाल, दुष्टों के साथ बैठूंगा, बंदरों को खिलाऊंगा। मैया वो अपना दही वही वो अपना संभाल के आई दूध, इधर वो संभालने गई तो ये गड़बड़, ये जिंदगी ऐसी है, ये इधर देखा तो सब तो यहाँ पूरा, अरे अब क्या करें। ये गोपियां सही है शिकायत करती हैं, ऐसे नहीं शिकायत करती, सही करती, आज तो इसको शिक्षा देनी पड़ेगी। मैया ने वहीं पास में देखा एक डंडा पड़ा था, वो डंडा उठाया, अभी बताता हूं तुझको, ओ महाराज जैसे भगवान की तरफ दौड़े तो भगवान ने मटकी यों फेंकी और ऊखल पर से भाग खड़े हुए। अब यशोदा मैया पीछे से डंडा, रुक रुक, अब क्या बताऊं, आजकल हमको गांव वाली बातें याद आ जा रही, हाँ क्या हो दहीझार का नाती अरे बोलिए बालकृष्ण भगवान की। वो डंडा ले लिए मैया पीछे पीछे, रुक रुक, और भगवान और भागे जा रहे हैं, और भागे जा रहे हैं, अब भगवान तेजी से भाग रहे हैं, यशोदा मैया पकड़ नहीं पा रही, इधर उधर चारों तरफ से, अब जितनी गोपियां हैं आज अपनी फूटी ना रोज मानती नहीं थी, देख लो आज आज अपना फूटा, तब कष्ट हुआ ना। अब साहब मैया कहते तुम ही लोग इसको बिगाड़े हुए हो, आप आगे आगे भगवान पीछे पीछे मैया, और डांटते हुए चिल्लाते हुए अंत में भगवान ने इशारा किया, मैया जब तक हाथ में ये जड़ रहता है ना तब तक चेतन पकड़ में नहीं आता, मुट्ठी का कंचा फेंको तब हीरा पकड़ में आएगा ना, हाथ में डंडा है ना, डंडा जड़ है, परमात्मा चेतन,
मैया ने कोशिश किया, नहीं पकड़ में आए तो लाला वो सामने दिखाई पड़ा, यहां मैया है, वो डंडा को फेंक के मारा। भगवान तो यूं बच गए, और जैसे बच गए अब भगवान पकड़ में आ गए, हाथ का छूटा जड़ गया, चेतन पकड़ में आया, भगवान को पकड़ के ले आई। तू उखल के साथ बैठा था ना, खलों के साथ, आज तुझको उसी के साथ बांट देती हूं। इसको कहते अति से वैराग्य होता है, अति से, चाहे खाने में, चाहे बैठने में, चाहे बात करने में, कोई भी चीज आपको अति में मिल जाए उससे आप उब जाओगे, विरक्ति पैदा हो जाएगी। नहीं नहीं समझ आया? जिसको किसी बच्चे को कोई भी चीज पसंद हो, बहुत ज्यादा पसंद हो, एक दिन 2-3 किलो लेके बैठ जाओ और डंडा मार मार के खिलाओ, इतनी बार कि 4 बार उल्टी करे वो, देखना वो उसके बाद जिंदगी भर उस वो सामने देखेगा ना तो अति से वैराग्य होता है। तो उसको आज उखल के साथ ही बांध देती हूं, उखल के साथ ही बांध देती हूं। मैया ले आई कन्हाई को, उखल के पास में खड़ा किया, रुक, एक रस्सी लिया, रस्सी लेकर के, उखल इतना मोटा है ना, यूं करके घुमा के बांधने आई, 2 अंगुल छोटी होगी रस्सी। मैया अहंकार अभिमान से नहीं बनता, मैं नाम रूप नहीं है मेरे भीतर, कैसे बांधेगी। मैया फिर लाई रस्सी, दूसरी रस्सी को जोड़ा, फिर से घुमाया, वो भी 2 अंगुल छोटी। अरे क्या हो गया, मेरे लाला का पेट है कि क्या है? वो अपना जो चोटी थी वही खोल लिया, वही खोल लिया, फिर उसको बांधा। भगवान ये प्रेम का बंधन बंध गए। भगवान जब बंध गए, जितनी गोपियां थी दौड़ के आई, मैं खोल दूंगी, मेरे दर्जनों मटकी फोड़ी है, मैंने लाला को कभी कष्ट नहीं दिया, मेरा प्रेमी है, मैं इससे इतना मेरा दिल प्रसन्न होता है, इसकी लीलाएं देख करके, बात सुन करके, इतनी क्रूर तुम हो। यशोदा मैया कहती हैं, तुम सब बिगाड़ी हो, आज हमने बांधा है, अगर तुम में से किसी ने खोला तो उसको इसी लाला की कसम है। अब बताओ, गोपियां यूं दूर खड़ी हुई, अब बताओ क्या करें। मैया बांध करके, अब बांध करके अपना घर चली गई, घर का काम करने के लिए, बंधा रहे आज दिन भर, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। ये है वात्सल्य का भाव, वात्सल्य भाव। थोड़ी देर हो गई, भगवान के सखा लोग आकर के, लाला फंसा, क्या करूं, क्या किया जाए, खोलेंगे तो लाला की सौगंध है, अच्छा नहीं होगा, क्या करे क्या करे। भगवान ने धीरे से उस उखल जो ऐसे था उसको यूं लुढ़का दिया, लुढ़क गया, तो उसको ताकत लगा के खींचा। भगवान के दरवाजे के सामने 2 पेड़ खड़े हैं ऐसे, अर्जुन के बिल्कुल सीधा, यमल अर्जुन, यमल माने जुड़वा, सही से सीधे, बीच में से थोड़ा सा जगह है। भगवान खींचते खींचते आए और उसी के बीच में से निकल गए, तो उखल फंस गया। भगवान ने थोड़ी ताकत लगाई, और जैसे ताकत लगाई, दोनों पेड़ जोरों की गर्जना करते टूट करके गिर पड़ते हैं, एक इधर गिरा, टूट के गिरे, और महाराज इतनी आवाज आई, उसमें से 2 देवदूत निकले। भगवान की स्तुति किया, भगवान ने डांटा बहुत, दोबारा गलती मत करना। ये दोनों भैया बड़े लोगों के थे, नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम था, एक संत का इन्होंने अपमान कर दिया था, उन्होंने कहा था जाओ ऐसे ठूठ जैसे खड़े रहो, पेड़ बन जाओ। जब प्रार्थना किया तो संतों ने कहा पेड़ बनना तो भगवान के दरवाजे पर बन जाना, बस इतने कल्याण हो जाओगे। वही नलकूबर मणिग्रीव को उपदेश दिया, असतः श्री मदान धस्य दारिद्र्यम परम अंजनम, जाओ। उसके बाद जितने वहां बच्चे लोग थे हाय हाय करने लगे, ये सारा का सारा गोकुल दौड़ पड़ा, अरे क्या हुआ, इतनी आवाज कैसे सी, इतना पेड़ कैसे गिर पड़ा, दौड़ करके आए। नंद बाबा ने जाकर के भगवान को खोल करके अरे लाला बच कैसे गया, पेड़ कहीं लाला पर गिर जाता तो। एक छोटा बच्चा था, उसने कहा गिरा नहीं, इसी ने गिराया, इसमें से 2 आदमी निकले थे मुकुट उकुट पहने, इसको प्रणाम किए थे और क्या चले गए वो,
लेकिन नंद बाबा को ये बात हजम नहीं होती, ऐसे कैसे हो सकता है। मैया ने बांधा, बाबा ने खोल, प्रकृति बांधती है पुरुष खोल देता है, माया बांधती है और परमेश्वर बंधन को खोल देते हैं। अब ठीक ठाक हो गया सब। यहां पर अब इसके बाद एक वर्णन हुआ कि सब मिलकर के एक पंचायत बैठी। ये बड़ी विचित्र घटना है। उस पंचायत में चर्चा ये होने लगी कि जब से अपने गोकुल में ये नंद का लाला आया है तब से रोज कोई ना कोई विपत्ति आती है। छठे दिन पूतना आ गई, बताओ। उसके बाद देखो बैलगाड़ी पलट गई। उसके बाद आज देखो कभी तृणावर्त आ गया, कभी कोई और आ गया। आज तो बड़ी दुर्घटना हो गई, पेड़ गिर पड़ा, वो तो लाला देखो बच गया, भगवान की कृपा थी। एक उसमें था कोई गोप, उसने कहा ये जगह ही अपना गोकुल जगह ही दोषित है, यह जगह ही खराब है, क्या करें। बोले यहां से चलते थे हम लोग, अपने लाला पे विपत्ति आई तो यहां से चल पड़ते हैं। कहां चलेंगे, तो कहते बनम वृंदावनम नाम पशव्यम नौकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृण विरुधम। हम लोग वृंदावन चलते हैं, वहां पर गोवर्धन जी हैं, हमारी गाय वहां पर घास चरेंगी, हमको क्या है। ये जगह पर विपत्ति आती है, मेरे लाला को कष्ट मिलता है, यहां रहना ठीक नहीं है, कल चलेंगे सवेरे। बात तय हो गई। दूसरे दिन सवेरे सब ने अपनी अपनी बैलगाड़ी पर अपना सारा घर का सामान लादा और वहां से चल पड़े, गोकुल का त्याग करके आगे निकल पड़े। ये जब वर्णन हमको पढ़ने में आया तो आप थोड़ा गौर करना, सबका अपने कन्हाई से कितना प्रेम है। हाँ, कन्हाई से कितना प्रेम है। भले वाणी से वो शिकायत करती हैं यशोदा के पास, गोपियां मुंह से बोलती हैं, हृदय से कितना प्रेम है। कन्हाई पर कष्ट आता है तो हमको यहां रहना मंजूर नहीं। आज के हिसाब से विचार करो। हाँ, आज के हिसाब से किसी के परिवार पर कोई विपत्ति आवे और अपना घर छोड़ के जाने लगे, कोई पड़ोसी आदमी जाएगा क्या? कोई पड़ोसी आदमी? पड़ोसी आदमी तो सोचेगा औने पौने दाम में इसका घर मिल जावे तो खरीद लो, मौका अच्छा है ना, मौका अच्छा है। ओ कोई आदमी पड़ोस का नहीं जावेगा। लेकिन गोकुल तब उस समय पर पूरा का पूरा सब वहां से चल पड़े हैं। महाराज ये कन्हाई से प्रीत कैसा है, जहां मेरा कृष्ण वहीं मैं। सारा गोकुल वहां से चला आया। नंद बाबा ने एक जगह पर अपना स्थान बनाना शुरू किया, सब ने अपना अपना कुटिया बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे एक गांव बस गया। तो नंद बाबा ने गांव बसा दिया तो नाम पड़ गया नंद गांव। वृंदावन का घूमे होंगे तो देखा होगा कभी, नंद गांव गए कि नहीं? हाँ, नंद गांव। फिर देखो गोकुल में तो वो छोटा सा है, बकैया चलो। अब तो दो गोकुल भी हो गया, नया गोकुल पुराना गोकुल और नंद गांव वृंदावन। फिर उसके बाद भगवान की लीला वृंदावन में होने लगती है, वहीं गोवर्धन जी हैं सब। अब इस ब्रज भूमि में लीला आगे बढ़ जाती है। भगवान अब गोकुल से हो गए वृंदावन वाले। अभी तक थे कहाँ? गोकुल। गोकुल से वृंदावन। गोकुल, गोकुल माने गो माने इंद्री, गो माने गाय, दोनों अर्थ होते हैं। गो माने पृथ्वी माँ। हाँ, गो माने पृथ्वी माँ, पृथ्वी का जो भरण पोषण करते हैं परमात्मा। गो माने गाय, गाय की सेवा करने वाले भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं। और गो माने इंद्रियां, गो गोचर जहाँ लगी माना जाए, इंद्रियों को शक्ति देने वाले परमात्मा। इंद्रियों के समूह में परमात्मा आके लीला करें, इसका नाम गोकुल। हमारी समस्त इंद्रियों के बीच में आ जाएं। भगवान मन में आए हैं, वहां से इंद्रियों में आए, अब भगवान हृदय माने वृंदावन, बनम नाम वृंदा, हृदय में आकर के निवास करें। और वृंदावन की ब्रज की लीला हम लोग शाम को सुनेंगे। आज हमारी, आज हम गोकुल की लीला में थे।
ये सब भगवान की लीला का एक जगह है। गोकुल में भगवान माखन चुराते हैं, गोकुल की लीला में राधा जी साथ नहीं है। कई बार लोग जब कन्हैया जी की पूजा करते हैं ना तो लड्डू गोपाल घर में ले आते हैं छोटे से, है ना, तो लड्डू गोपाल को बांसुरी पकड़ा देते हो कि नहीं? लड्डू गोपाल ने बांसुरी कब बजाई? बांसुरी तो वृंदावन में बजाई ना, वो शाम को बजाएंगे। लड्डू गोपाल तो माखन चुराते हैं, मटकी रख दो एक उनके पास, दही वही। वहाँ पर गोकुल में लड्डू गोपाल हैं, वृंदावन को फिर राधा श्याम है, जुगल सरकार हैं। ये भगवान की लीला के अलग अलग जगह हैं। हम वृंदावन की कथा को शाम को सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बोली सद्गुरुदेव भगवान की, बोली वृंदावन धाम की। अब हम सभी भक्त यहीं बैठे हुए मन से वृंदावन धाम चलेंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन ताली सेवा करते हुए भाव के सहित, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन तेरा कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे, तेरा कोड़ी लगे ना दाम। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे, तुझे मिल जाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। बोली सद्गुरुदेव भगवान की, बोली हरिद्वार धाम की। अपने हेमंत पांडे जी आचार्य ये बड़े भागवत कथा के वक्ता हैं, ये खुद ही वक्ता हैं भागवत कथा के, संगीत वाला है, ये तो हमारे साथ सेवा में रहते हैं। अरे बहुत बड़े वक्ता हैं जी ये, और रैया के उस एरिया में। तो आज शाम को ठीक 4 बजे से हम लोगों का सत्संग रहेगा। थोड़ा विशेष आयोजन है, संतों की जैसी कृपा हुई, संभवतः एक महामंडलेश्वर जी आ गए हैं, एक आध और आ रहे हैं, और आ रहे हैं, देखते हैं शाम को कितने लोग मंच पर रहते हैं। जितना संतों का अनुग्रह होगा, कृपा होगी, तो आज शाम को थोड़ा सत्संग में अलग दृष्टि रहेगी, मिनी संत सम्मेलन ही समझ लो, और क्या होगा। तो गोवर्धन भगवान के दर्शन, हाँ गोवर्धन भगवान का दर्शन तो रहेगा। हाँ वो तो भगवान का, तो भगवान को ले जाना तो अपने हाथ में, ओ चले जाओ भगवान सीधे जो है। हाँ बस, और क्या, 2 शुद्धि कराई थी हमने,
पृथ्वी माँ पृथ्वी का भोजन कर लिया, पृथ्वी शुद्धि हो गई, तृणावर्त का वध हो गया, वायु शुद्धि हो गई, जल और अग्नि की ओर कर देना है, बाकी सब छोड़ भाग जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए श्री रामचरितमानस में वर्णित भी है कि स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता, जिस स्थान पर संत भगवंत का पदार्पण होता है वह स्थान स्वयं में तीर्थ होता है। तो हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम सभी लोग नहीं, हम तो विशेषकर ये मानते हैं क्योंकि हमारे ऊपर लगभग 20-22 साल से संतों की कृपा है। हरिद्वार धाम में पूज्य गुरुदेव भगवान और पूज्य गुरुदेव भगवान के जो मित्र हैं उनके साथ में, बोली सतगुरुदेव भगवान की, बोले हरिद्वार धाम की, बोले गंगा मैया की, बोले सत सनातन धर्म की। एक वृंदावन का भजन और है, एक भजन और है, उस भजन का आप लोग आनंद लें और प्रसाद लेके जाएंगे, पंक्तिवत तरीके से प्रसाद लेंगे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन राधे राधे गाने को